हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स का। आप सब लोगों को सीए फाइनल में ये वाली बात पता ही है कि ये चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, जिसमें हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, उसके शेड्यूल्स और क्लॉजेस की कहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गिल्टी है, किस तरह से पढ़ते हैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है केस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ साथ में एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए एक बात समझिए, ये लास्ट टाइम रिविजन के लिए, आई एम श्योर अगर आपने क्लासेस ली, आप क्लासेस में इसको बिल्कुल थरली कर चुके हैं क्योंकि हम 7-8 क्लासेस इस पर्टिकुलर टॉपिक पर लगा देते हैं। अगर आपने सेल्फ स्टडी की है, नई क्लास करी है अभी, तो भी आप अच्छे से थरली कर चुके होंगे। अब आप आज एक काम मुझे करने दीजिएगा, मैं थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा ध्यान लगाऊंगी, किताब सारी की सारी आपके सामने आएगी, आपके सामने क्लॉज नंबर याद करने की ट्रिक्स भी आएंगी, आपके सामने एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट, थोड़े ज़्यादा रेलिवेंट वाले मुझे लगेंगे पर्सनली, कुछ हल्का फुल्का जिसमें ज़्यादा कराने वाला होगा वो भी मैं करा दूंगी। सो आई हैव कैप, लेट्स सी मैं कितना टारगेट पूरा कर पाते हो। मैंने ये सोच के चला है कि 2 आवर्स के अराउंड में हम इसको कंप्लीट खत्म कर देंगे विद एमसीक्यूज एंड विद एवरीथिंग। ओके चलिए। सो जब भी हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो हमारा नाम एक पर्टिकुलर रजिस्टर में मेंटेन्ड होता है, और वो रजिस्टर किसने रखा हुआ है, वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ICAI ने रखा हुआ है। तो जब मैंने सीए बनने की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली, एज इन मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, मेरी एनी अदर फॉर्मेलिटी इफ़ इट इज़ देयर, सब कुछ कंप्लीट हो गया, अगर कुछ ओरिएंटेशन को लेकर के कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई, तो मैंने इंस्टीट्यूट को एक एप्लीकेशन लिखी, साथ में एक एप्लीकेशन के साथ एक फीस भी दी, मैंने उनको अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए। जब उनको लगा कि मैं डिसक्वालिफाइड नहीं हूँ, यानी कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन, मान लो एक एक पर्सन है अमन कुमार, अमन कुमार इंस्टीट्यूट को अप्लाई करते हैं कि देखिए मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली हैं, सीए फाइनल कंप्लीट कर लिया है, सारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, एवरीथिंग, अब आप मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दीजिए, तो इंस्टीट्यूट सबसे पहले ये देखता है कि वह व्यक्ति डिसक्वालिफाइड तो नहीं है। अगर उस व्यक्ति की एज एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन 21 ईयर्स से कम है, या वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है एज पर कॉम्पिटेंट कोर्ट, या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब इंसॉल्वेंट करार दिया गया था पर अब तक उसकी लाइबिलिटीज का फुल सेटलमेंट में पेमेंट नहीं किया गया है, या है तो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब सीए बनने से पहले वो अपना कोई बिजनेस करता था उसमें इंसॉल्वेंट हो गया था, इंसॉल्वेंसी जब हुई थी तो उसके क्रेडिटर्स को उसके असेट्स को बेचकर फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया गया है, परंतु उसने कोई फ्रॉड्स किए थे जिसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट हुआ था, तो कोर्ट ने उसको ये सर्टिफिकेट नहीं दिया कि आपकी इंसॉल्वेंसी दुर्भाग्य या मिसफॉर्च्यून के कारण थी। तो यदि आप ऐसी कोई भी प्रकार की डिसक्वालिफिकेशन से डिसक्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट आपके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बावजूद भी आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एनरोल नहीं करेगा, या इस व्यक्ति को कभी कन्विक्ट दोषी करार दिया गया था किसी ऑफेंस के लिए जिसमें उसको मॉरल टर्पिट्यूड, लाइक सॉर्ट ऑफ अ घिनौना अपराध के लिए उसको दोषी करारा गया था, अनलेस उसको माफीनामा ना मिल गया हो। अगर उसको माफी मिल गई है तो उस केस में इंस्टीट्यूट उसका नाम रजिस्टर में एनरोल कर सकता है। अब आप सोचो, अगर मान लो एक बंदा, ये डिस्क्वालिफिकेशन कब अट्रैक्ट होंगी, एक तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तब अट्रैक्ट होगी, तब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एनरोल नहीं होगा, और अगर आप सीए बनने के बाद में इन पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशंस को अट्रैक्ट कर गए, मतलब आप सीए बनने के बाद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जिस पल हुए उसी पल इंस्टीट्यूट आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से रिमूव कर देगा, और जितने समय के लिए आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से रिमूव हुआ है उतने समय के लिए आप दोबारा अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एनरोल नहीं करा पाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा सेक्शन नंबर 8 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 पर्टेन्स टू डिस्क्वालिफिकेशन। ये डिस्क्वालिफिकेशन जब आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तब भी लगता है, जब आप मेंबर बन चुके होते हैं उसके बाद भी यदि आप इनमें से कोई डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में भी इनके ऊपर ये पर्टिकुलर सेक्शन लगता है और तब उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर दिया जाता है। और अगर किसी वजह से आपने जानते बूझते अपनी ये डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट को नहीं बताई तो भी आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, यानी कि एक गलत आचरण के लिए दोषी करार दिए जाएंगे।
आप जब सीए बन जाते हैं तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप जॉब में भी हो सकते हैं। हो सकता है आप प्रैक्टिस या जॉब कुछ भी नहीं कर रहे हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो सकता है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप पढ़ा रहे हो सकता है आप कुछ नहीं कर रहे हो, पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं बट आप एक मेंबर तो हैं। मतलब मेंबर जिसके जो प्रैक्टिस में है उसके पास क्या है, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। जो सर्विस में है वो जॉब में है, और सभी प्रकार के मेंबर्स मेंबर्स तो हैं ही, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे जॉब में हो, चाहे कुछ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, दे आर द मेंबर्स। आपने कहा जब आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हो, अगर मैं सुरभि बंसल इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना चाहती हूँ तो मैं प्रैक्टिस सुरभि बंसल चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से भी कर सकती हूँ। मैं प्रैक्टिस सुरभि बंसल एंड कंपनी या सुरभि बंसल एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम से भी कर सकती हूँ, जो मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या मैं अपनी एक पार्टनरशिप फर्म बना सकती हूँ और आज के दिन LLPs भी बन जाती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एलोंग विद अ नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनरशिप कर सकता है। तो स्टेटस आपका क्या है, आप प्रैक्टिस में अगर है तो आप किस फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर आप कंपनी बना करके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके पास COP हुआ, आप मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस का मतलब अगर मैं अपने प्रैक्टिस यूनिट में, यानी मैं कहती हूँ मैं सुरभि बंसल, मैं या तो अपने नाम में या दुनिया के सामने ऐसा बोलती हूँ कि मैं किसी पार्टनरशिप फॉर्म नेम में ऐसा कोई काम कर रही हूँ, या तो COP जैसा काम कर रहे हूँ। मतलब अब इसका जो कॉन्क्लूजन निकला था, देखिए बैच में हम लोग लिखते भी हैं इन सब कॉन्क्लूजन को, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बिना COP रखे प्रैक्टिस जैसा काम करेगा, यानी कि वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 जैसा काम करेगा, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि बिना COP रखे ऐसा काम कर रहा है तो वो सेक्शन नंबर 24 में पेनलाइज हो जाएगा। या अगर मेरे पास COP नहीं है पर मैं किसी को बोलूंगी कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं सेक्शन 24 में पेनलाइज हो जाऊंगी। तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 का सिग्निफिकेंस आ गया हमारे पास। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ने बोला अगर मैं फीस लेकर बोलती हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, या मैं ऑडिट और रिलेटेड सर्विसेज ऑडिट रिव्यू का काम ऐसे काम करती हूँ, या मैं पब्लिक को बोलती हूँ कि यस मैं ऐसी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, रूल ऑफ स्टॉपल लग जाएगा, तो सच में मेरे पास COP होना चाहिए। यदि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है फिर भी मैं अपनी प्रैक्टिस यूनिट में अपना फीस लेकर के इनमें से कोई काम करती हूँ तो मेरे पर डीमिंग प्रोविजन लग जाएगा, मतलब मैं प्रैक्टिस में मानी जाऊँगी और तब मैं सेक्शन 24 में पेनलाइज हो जाऊँगी बिकॉज मैंने बिना COP रखे ये काम किया। क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 वाले काम, ऑडिटिंग का प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी करना, MCS करना, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज करना, इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेशन का काम करना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई अपॉइंटमेंट जब आपको मिलता है क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इस कारण से आपको ये अपॉइंटमेंट मिला है, ये काम करना, लिक्विडेटर ट्रस्टी आर्बिट्रेशन का काम करना, झगड़े सुलझाने का काम करना, ये सब काम एक प्रैक्टिसिंग व्यक्ति ही कर सकता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ये काम केवल कौन कर सकता है, प्रैक्टिसिंग CA। अगर आप बिना प्रैक्टिस में हुए इनमें से कोई काम करते हैं और फीस लेते हैं क्लाइंट से, या आप दुनिया को बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस में हैं जबकि आप प्रैक्टिस में नहीं हैं, तो आप सेक्शन नंबर 24 में पिनलाइज हो जाएंगे। पर ये सेक्शन नहीं लगता एक एम्प्लॉय पर। यदि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए इनमें से कोई काम करता है तो वो अपनी प्रैक्टिस यूनिट में तो ये काम नहीं कर रहा है, वो ये काम कर रहा है इन द कैपेसिटी एज एन एम्प्लॉय। अगर वो एज एन एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है जैसे इंटरनल ऑडिट्स टाइप्स का काम कर रहा है तो फिर उसके ऊपर डीमिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। तो डीमिंग प्रोविजन बेसिकली किन के लिए बनाया गया है, बिना COP रखे आपको इनमें से कोई काम नहीं करना है। यदि आप बिना COP रखे इनमें से कोई काम करेंगे तो आप सेक्शन 24 में पिनलाइज हो जाएंगे। आप जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं,
अपने क्लाइंट्स को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे करके वो उसके बदले एक फीस भी ले सकते हैं। वो उनके लिए कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग, बजट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब कुछ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन और अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या इंसेंटिव प्लान्स, रोवर्स से ये सब पीस वेज रेट सिस्टम कैसे रखना चाहिए, ये सब कंसल्टेंसीज उन लोग दे सकते हैं। उनको एडवाइस दे सकते हैं। आजकल आप सुनते हो M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ड्यू डिलिजेंस, तो ऐसा काम भी कर सकते हैं। उन लोगों को, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दे सकते हैं। जैसे मेरा क्लाइंट कहता है कि आप प्लीज़ GST के बारे में मेरे स्टाफ को समझाइए। येस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ तो मैं उनके स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दे सकती हूँ। उनको कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज कैसे करना चाहिए सब कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर मैं किसी भी हालात में ब्रोकिंग अंडरराइटिंग या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं कर सकती। मैं उनको एडवाइस कर सकती हूँ कि उन लोग कैसे अपना पैसा शेयर्स में या कैसे अपना पैसा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाए। बट अगर कोई क्लाइंट मेरे को पैसे देता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अगर कोई क्लाइंट मेरे को पैसे देता है और मैं उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चार्जेस रखती हूँ, सो इट इज़ अ फुल फ्लैश्ड बिजनेस। मैं ये काम नहीं कर सकती बिकॉज ये MCS के अंदर नहीं आता है। मैं स्टॉक ब्रोकर नहीं बन सकती। मैं किसी कंपनी के शेयर्स, जब उनका पब्लिक इशू आ रहा है तो उसको अंडरराइट नहीं कर सकती, बिकॉज दिस इज नॉट द कंसल्टेंसी थिंग, दिस इज अ फुल फ्लैश बिजनेस थिंग। फुल फ्लैश बिजनेस में हमारे पास क्लॉज नंबर 11 एंड पार्ट 1 और फर्स्ट शेड्यूल भी आएगा। प्लस आप क्वालिटी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, आप इवन बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, मार्केट रिसर्च, इंश्योरेंस ब्रोकरेज कर सकते हैं। बट सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, आप ये काम नहीं कर सकते, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग का काम आप नहीं कर सकते हो। आप अगर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सनल को रिक्रूट, ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्क स्टडीज करना चाहता है तो क्या कर सकता है? यस, कर सकता है, बिकॉज ये चीज़ें MCS में कवर्ड हैं। MCS एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। जैसे ही आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, जैसे ही अमन चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, तो अमन के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते ही उसने अपने नाम के बाद लेटर्स ACA, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लगाना स्टार्ट कर दिया। पर अगर अमन एसोसिएट मेंबर कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहा 5 साल तक के लिए, मान लेते हैं अमन 2010 में CA बनता है तो, और वो 2015 में और COP भी ले लेता है, और 2015 में वो ICI को अप्लाई करता है कि यस, मैंने 5 साल कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर लिया है, तो उस केस में इंस्टीट्यूट उसको FCA, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, एक तरह से सीनियर। पर अभी जो है, इंस्टीट्यूट ने एक गाइडलाइन और निकाली है जिसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट इवन अगर कोई प्रैक्टिस नहीं भी कर रहा है, इवन अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट गवर्नमेंट सर्विस में भी है, तो भी अगर वो कंटिन्यूस पीरियड 5 साल से उस सर्विस में अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन जैसा काम कर रहा है, या अगर वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मान लो ROC में काम कर रहा है, ROC में जॉब कर लेता है 5 साल के लिए, इनमें से कोई रिलेटेड काम कर रहा है, तो उस केस में भी इंस्टीट्यूट यदि वह अप्लाई करता है तो उसको FCA बना सकता है। तो अगर आपको 5 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए कंटिन्यूसली हिंदुस्तान में, तो FCA बन ही जाएंगे। इवन अगर अब आप जॉब भी करते हो तो भी आप क्या बन सकते हो? FCA बन सकते हो, यदि आप जॉब करते हुए कंटिन्यूसली 5 साल अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंस, ऐसे वाले मामलात को हैंडल कर रहे थे। नाउ सेक्शन नंबर 24 एक ऐसा सेक्शन है जो ICAI को नॉन CAs के ऊपर भी पेनल्टीज लगाने के लिए ऑथराइज करता है। सेक्शन 24 कहता है एनी पर्सन, अगर वो CA नहीं है, जैसे कि आप लोग अभी CA तो नहीं हो। अब आप एक बात बताइए, आप लोग कभी कभी अपने क्लाइंट के यहाँ जाते हो और थोड़ा सा उसको इम्प्रेस करने के लिए, थोड़ा सा उसको थोड़ा टच झाड़ने के लिए आप उसको बोल देते हो, हे यस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट,
मैंने सी ए कंप्लीट कर लिया है। या आप अपने नाम के साथ बड़ा बड़ा वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखते हो, दो आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एनरोल नहीं है, तो आपके ऊपर भी ये पेनल्टी लगेगी। एंड इवन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सी ए तो है पर जिसके पास COP नहीं है, अगर वो प्रैक्टिसिंग जैसा काम करता है तो वो गलत काम कर रहा है, विदाउट हैविंग COP काम कर रहा है, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी के अंदर फर्स्ट कन्विक्शन के ऊपर सिर्फ फाइन लगेगा, पर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के ऊपर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लग सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी हंसी बात, अगर आप एक सीए हैं तो सीए अमन कुमार और सीए अमन कुमार सीए प्रिफिक्स लगा सकते हैं। आप ऐसे करके अपना एक प्रिफिक्स लगाते हैं सीए, इंस्टीट्यूट मना नहीं करता है, आप सीए प्रिफिक्स लगा भी सकते हैं, आप सीए प्रिफिक्स नहीं भी लगा सकते हैं, इट इज़ इंटायरली योर चॉइस। ऑल मेंबर्स कैन यूज, देयर इज नॉट मस्ट, उनको ज़रूरी नहीं है ये प्रिफिक्स को यूज करना सीए। इवन अगर आप सी एस हैं आप सी एस लगा सकते हैं, इवन अगर आपने PhD की हुई है तो आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं, यानी ये सब साथ में चल सकते हैं। पर अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो प्रैक्टिस करने वालों की डेजिग्नेशन वो बड़ा बड़ा अपने नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेंगे। यानी कि अगर अमन कुमार के पास COP है ICAI से, तो वो अपने नाम के साथ बड़ा बड़ा वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेंगे, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिवाय कुछ और, उसके बजाय कुछ और, ना उसके साथ में कुछ और। यानी ये CACS छोटा छोटा लेटर तो लिख सकते हैं जिस आपकी डिग्री बताता है, पर अगर आप इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप डेजिग्नेशन, योर पोस्ट, योर कैपेसिटी ओनली बड़ा बड़ा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बजाय आप कोई इनकम टैक्स कंसल्टेंट, GST कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आप यूज नहीं कर सकते हो। पर अगर आप मेंबर हैं जो प्रैक्टिस में नहीं है, से फॉर एग्जांपल CA सुरभि बंसल, सुरभि बंसल इज नॉट इन प्रैक्टिस, इफ CA सुरभि बंसल इज नॉट इन प्रैक्टिस, मैं अपने नाम के साथ लिखना चाहती हूँ CA सुरभि बंसल, और मेरा मन करता है तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकती हूँ, आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, और मेरा मन करता है तो मैं कोई भी और एक्सप्रेशन, मैं मान लेते हैं फैकल्टी ऑडिटिंग लिखना चाहती हूँ। यस, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम के साथ नहीं लिख रही हूँ तो मैं कोई दूसरा एक्सप्रेशन यूज कर सकती हूँ। यानी डिग्री हर कोई यूज कर सकता है, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की कैपेसिटी सिर्फ बड़ा बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगी। अगर आपके पास बार काउंसिल से एडवोकेट की तरह से प्रैक्टिस करने का परमिशन भी है एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, और आपके पास सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला भी है एक्सेप्शनल सिचुएशन में, तो जब आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो आप अपना डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाने का राइट नहीं होता है। पर अगर आप देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मोर देन वन प्रैक्टिसिंग राइट है, तो वो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली कैपेसिटी, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली कैपेसिटी हर उस जगह यूज करेगा जहां भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 वाला काम करेगा। पर अगर उसको बार काउंसिल से एज एडवोकेट परमिशन मिला हुआ है काम करने का, तो वो एडवोकेट वाली डेजिग्नेशन यूज करेगा जब वो सिविल कोर्ट्स में जाएगा। यानी कि यहाँ पे एज एन एक्सेप्शन आप दोनों डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और एडवोकेट भी, पर दोनों को अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। आप अलग अलग जगह पर एडिशन में यूज नहीं कर सकते, जहां एडवोकेट की तरह से जा रहे हो सिविल कोर्ट्स में, वहां सिर्फ एडवोकेट लिखोगे बड़ा बड़ा नाम के साथ, डिग्री सारी चलेंगी। और जहां आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी में जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, सो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जा सकता है। तो जब आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा रहे हो, देन योर डेजिग्नेशन वुड हैव बीन ओनली एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब भी आप, अगर आपके पास दो या दो से अधिक प्रैक्टिसिंग राइट हैं, तो जब भी आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 वाला काम कीजिएगा, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपेसिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कीजिएगा। नाउ
अगर मान लेते हैं आपसे आपका सीओपी छीन लिया आपके मिसकंडक्ट के कारण इंस्टीट्यूट ने, से फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स के लिए, तो उस 6 महीने में आप कोई काम सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 वाला नहीं करेंगे, यानी आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कर सकता था। हाँ, उस 6 महीने के दौरान किसी सिविल कोर्ट में जाने का मैंने आप जा सकते हैं, बिकॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी सिविल कोर्ट, राइट? सो बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी, आपके पास सीओपी नहीं है, आपसे सीओपी छीना गया, तो आप जितने समय के लिए सीओपी छीना गया उतने समय के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वाला कोई काम नहीं करेंगे, नहीं तो आपको सजा कैसे मिलेगी भाई? ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आता रहता है। अब डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, जस्ट एक वन टाइम रीडिंग के लिए वो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट वगैरह लास्ट में रीडिंग कर जाइएगा। नाउ सेक्शन हमारे पास आता है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर मैकेनिज्म का, जब भी इंस्टीट्यूट में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाई जाती हैं, कुछ आरोप लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन आरोप की जाती है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, या हम डायरेक्टर ब्रैकेट में डिसिप्लिन बोलते हैं उसके पास। वो ये सोचता है कि जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन आई है वो फर्स्ट शेड्यूल में आई है या सेकंड शेड्यूल में आई है। यदि फर्स्ट शेड्यूल के जो क्लॉजेज है 12 क्लॉजेज उसमें आई हुई है, तो उस केस में वो उस मामले को बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के आगे भेज देता है, और अगर सेकंड शेड्यूल के अंदर आई गई है जिसमें 10 क्लॉजेज हैं पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 है, एंड देन उसके बाद में पार्ट 3, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर वो मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को सौंप देता है। नाउ डिसिप्लिनरी कमेटी का हमेशा पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन से, पर अगर कभी भी मेंबर को लगता है कि नहीं, इन लोगों ने मतलब हमारे ऊपर जो आरोप था उसके लिए बहुत ज़्यादा सज़ा मिली है, वो एग्रीव्ड हो जाती है। सो एनी एग्रीव्ड पार्टी कैन गो टू एपोलेट अथॉरिटी। प्लीज, दिस इज नॉट ITAT, इनकम टैक्स एपोलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, दिस इज एपोलेट ट्रिब्यूनल विच इज देयर इन ICAI, जो इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ही एपोलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। आप वहाँ पर अपना केस लेकर जा सकते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के डिसीजन के खिलाफ सुनवाई कहाँ हो सकती है? एपोलेट अथॉरिटी में हो सकती है। एपोलेट अथॉरिटी इनको मामला वापस भेज सकता है, एपोलेट अथॉरिटी इनके ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है, ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, मामला रेफर बैक कर सकता है, कोई भी ऑर्डर जो उसको ठीक लगता है वैसा कर सकता है। अब आए इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सेक्शन नंबर 27 ने कहा आप ब्रांच ऑफिस किसको बोलते हैं, आप किस जगह को ऑफिस बोलते हैं। अगर अमन रमन नमन एंड कंपनी है, अमन रमन नमन एंड कंपनी है, तो उस पर्टिकुलर अमन रमन नमन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑफिस क्या कहा जाएगा? हर वो जगह जहाँ पे नेम बोर्ड फर्म का लगा हुआ है, या जिस जगह को उन्होंने अपनी प्रोफेशनल स्टेशनरी यानी कि लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स, इन सब के ऊपर प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया, अपना लेटर हेड बनाया अमन रमन नमन एंड कंपनी ने, और उसने लिखा हेड ऑफिस इज इन दिल्ली एंड ब्रांच ऑफिस इज इन उदयपुर, ब्रांच ऑफिस इज इन कानपुर, ब्रांच ऑफिस इज इन नागपुर, सो देर आर 3 ब्रांच ऑफिसेस। नाउ सबसे पहली बात तो ये, क्या नेम बोर्ड घर पर आप लगा सकते हैं? आप घर पर अपनी फर्म का नेम बोर्ड नहीं लगाएंगे, बिकॉज फर्म का नेम बोर्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लगेगा? फर्म का नेम बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफिस के बाहर लगेगा, पर हाँ आप अपने नाम का अमन कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से नेम बोर्ड घर पर लगा सकता है। अब बात यह है, अमन नमन एंड कंपनी, अमन रमन नमन एंड कंपनी कितने ब्रांच ऑफिसेस खोल सकती है? एन नंबर ऑफ ब्रांच ऑफिस प्रोवाइडेड, हर ब्रांच का एक सेपरेट सी इंचार्ज होएगा। मतलब अगर इन्होंने कहा हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है, हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है, और अगर इन्होंने बोला कि हमारी ब्रांचेस हैं और हमारी ब्रांचेस कानपुर में हैं, हमारी ब्रांचेस उदयपुर में और हमारी ब्रांचेस नागपुर में हैं, तो कानपुर वाली हेड ऑफिस के ऊपर अगर मान लेते हैं अमन साहब काम कर रहे हैं, तो कानपुर की ब्रांच एक सेपरेट सी इंचार्ज, कानपुर रमन देख रहे हो, उदयपुर नमन देख रहे हो, और नागपुर इनका एक एम्प्लॉई है ईशान जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी देख सकते हैं। यानी कि एक कोई भी नंबर ऑफ ब्रांचेस आप लोग ओपन कर सकते हो, प्रोवाइडेड एवरी सच ब्रांचेस अंडर सेपरेट सीए इंचार्ज।
और वो जो सेपरेट सी इंचार्ज है, अगर आप कह रहे हो उदयपुर का एक सेपरेट सी इंचार्ज है जो आपकी फर्म में एसोसिएटेड है, तो उसने उदयपुर का ऑफिस अटेंड किया होना चाहिए या वो उदयपुर सिटी में रहा होना चाहिए साल में कम से कम 182 डेज। और प्लीज़, एक सेपरेट सी इंचार्ज सिर्फ एक ही सिटी वाले ऑफिस का बन सकता है, दूसरे का नहीं बन सकता है ना। अब आपने कहा दीज आर द एग्जाम्पल्स गिवन, आपने ऑलरेडी पहले कर रखे हैं, केवल इंपॉर्टेंट चीज करनी है एग्जाम टाइप के लिए, जल्दी क्विक वाला काम, एक्सेप्शन, कोई सेपरेट सी इंचार्ज नहीं चाहिए। पर अगर आप हिली एरिया में अपना प्रैक्टिस करते हैं, आपका ऑफिस जोशीमठ के आसपास है, तो कोई भी हिली एरिया आप ले लीजिए। अगर आपका ऑफिस किसी हिली एरिया में है और आप प्लेन्स के अंदर अपना एक ऑफिस खोलना चाहते हैं, क्योंकि हिली एरिया में जब विंटर सीजन आता है तो 3 मंथ्स के लिए सभी लोग वहां से पलायन कर जाते हैं, प्लेन्स में सभी लोग वहां से मूव कर जाते हैं प्लेन्स में। यू कैन ऑल्सो ओपन अ टेम्परेरी ऑफिस इफ इट इज देयर दैट दिस टेम्परेरी ऑफिस इज ओपन ओनली फॉर मैक्सिमम 3 मंथ्स, दैट टू इन विंटर सीजन। देन आप प्लेन एरिया में, से फॉर एग्जाम्पल आप आ गए रुड़की में, और रुड़की में आकर के आपने अपना एक ऑफिस खोल लिया, कोरस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार क्लाइंट्स के साथ, आपके परमानेंट ऑफिस पे भी रह सकता है जोशीमठ वाले पर, यहाँ पर भी आ सकता है, तो आप प्लेन एरियाज में ऑफिस खोल सकते हैं। बस प्लेन एरियाज में 3 महीने के लिए आने पर और वहाँ से जाने पर आपको बताना ही पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, यानी आईसीआई को सूचना देनी पड़ेगी। अब चलिए, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक हिली एरिया में, ओली में एक जगह पर प्रैक्टिस कर रहा था, और वो प्लेन एरियाज में आया, और प्लेन एरियाज में आने पर उसने इंस्टीट्यूट को नहीं बताया, या वो प्लेन एरियाज में आया मोर देन 3 मंथ्स के लिए, यानी वो 4 मंथ्स के लिए प्लेन एरियाज में आया, तो उसको सेपरेट सी एन चार्ज चाहिए। यानी अगर ये गाइडलाइन टूटी तो सेपरेट सी एन चार्ज चाहिए, बट अगर ये सारे पॉइंट्स टेम्परेरी ऑफिस के लिए रहे तो उसको सेपरेट सी एन चार्ज नहीं चाहिए। ठीक है, बस शर्त क्या है, आप उस टेम्परेरी ऑफिस पर, क्योंकि मौसम के कारण आपने ऐसा किया, आप उस टेम्परेरी ऑफिस पर बेसिकली लगा करके रखेंगे एक नेम बोर्ड सिर्फ उन्हीं 3 महीनों के दौरान, यानी आप बाकी समय उस टेम्परेरी ऑफिस पर नेम बोर्ड नहीं लगाएंगे, उस टेम्परेरी ऑफिस का नाम अपने प्रोफेशनल स्टेशनरी में नहीं देंगे ना। अब ये जो सेकेंड ऑफिस है ये सभी के लिए है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप बच्चे एक बात समझिए, जब आप सेकेंड ऑफिस की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, दिल्ली में आपका एक ऑफिस है, आपने सेम प्रमाइसिस के अंदर एक ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस लिया, आपने एक हायर फ्लोर पे ऑफिस लिया, दोनों का एड्रेस अलग अलग है, आप दोनों पर अपने फॉर्म का नाम लगाना चाहते हैं, येस यू कैन। अगर आप दिल्ली सिटी के अंदर एक ऑफिस अपना खोल देते हैं लक्ष्मी नगर में, और दिल्ली सिटी के अंदर ही एक ऑफिस आप खोल देते हैं कैनॉट प्लेस में, येस इवन दैट इज अलाउड। अगर सेकेंड, बट दिस एक्सेप्शन इज अलाउड ओनली फॉर सेकेंड ऑफिस, तब आपको सेकेंड ऑफिस के लिए सेपरेट सी इंचार्ज नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक ही बंदा, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट दो जगहों का काम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है अगर वो सेम सिटी के अंदर है, और अगर वो विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ सिटी, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, विद इन फ्रॉम म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ सिटी इन विच फर्स्ट ऑफिस इज सिचुएटेड आपका सेकेंड ऑफिस, तो भी आप ये कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका हेड ऑफिस है सिटी ए में, सिटी ए में यहाँ पर, ठीक है, आप शहरी सीमाओं के अंदर 20 किलोमीटर, सिटी ए से लेकर के सिटी बी तक का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, दो सिटीज का अंतर। अब आप सिटी बी में अपना सेकेंड ऑफिस खोल रहे हैं जो शहरी सीमा के 15 किलोमीटर अंदर है, तो इस पर्टिकुलर केस में आप बताइए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो सेकेंड ऑफिस का डिस्टेंस है, सेकेंड ऑफिस का डिस्टेंस, दिस सेकेंड ऑफिस का डिस्टेंस फ्रॉम म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी इन विच फर्स्ट ऑफिस इज सिचुएटेड, ये 30+15 हो गया, यानी 45। इफ इट इज विद इन 50 किलोमीटर्स, येस यू कैन ओपन अनदर ऑफिस। मैं MCQs के साथ में करा दूंगी प्लीज ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है, MCQ के अंदर विद द रीजनिंग, बिकॉज इसकी MCQs आप कर जाए आपके केस स्टडीज भी प्रिपेयर हो जाएंगे। सो नाउ यू तो सेकेंड ऑफिस के लिए एक सेपरेट सी इंचार्ज चाहिए, पर कभी कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे जैसे काम में वृद्धि होती है तो एक अपना
फैसिलिटेशन सेंटर एक अपना एक अलग से एक अपना सेकंड ऑफिस खोल लेता है, तो यदि वो अपना सेकंड ऑफिस खोल रहा है, या तो सेकंड ऑफिस विद इन द सेम प्रमाइसेस सेम बिल्डिंग है, या विद इन द सेम सिटी है, नो मैटर सिटी का कितना डिस्टेंस है, या फर्स्ट सिटी की म्यूनिसिपल लिमिट से सेकेंड ऑफिस तक का डिस्टेंस विद इन 50 किलोमीटर है, तो यस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेज कर सकता है, फिर उसके इसमें सेपरेट सी इंचार्ज की जरूरत नहीं है। और दूसरा सेपरेट सी इंचार्ज की जरूरत हिली एरियाज वालों को नहीं है, जो कि 3 मंथ्स विंटर सीजन प्लेन एरियाज आने पर जाने पर इंस्टीट्यूट को बताना, ये सब काम करते हैं। नाउ जब हम शेड्यूल की बात करते हैं, तो हमारे पास में एक फर्स्ट शेड्यूल आता है, एक सेकेंड शेड्यूल आता है। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट वन सिर्फ सी एन प्रैक्टिस पे लगेगा, पार्ट टू सी एन सर्विस पे लगेगा, पार्ट थ्री चाहे आप प्रैक्टिस करते हैं चाहे नहीं करते हैं पे। सी, मैंने वो सब लिखा हुआ है जिस तरीके से मैं क्लॉज नंबर्स याद कराती हूँ, तो वो आ जाएगा, तो आपको पार्ट वन टू थ्री क्लियर हो जाएंगे। नाउ पार्ट फोर प्रोफेशनल नहीं अदर मिसकंडक्ट की बात करता है, पार्ट वन प्रैक्टिसिंग, पार्ट टू जनरली यानी यहाँ सर्विस वालों का अलग से पार्ट नहीं है, एंड पार्ट थ्री अदर मिसकंडक्ट, अदर का मतलब अदर देन योर प्रोफेशनल लाइफ, जबकि ये वाले प्रोफेशनल प्रोफेशनल है। नाउ जब हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर वन का क्लॉज नंबर वन कहता है, अगर आप अमन रमन नमन एंड कंपनी हैं तो आपको दोषी माना, वुड बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट under clause 1 of part 1 of first schedule to the chartered accountants act 1949। aapko ye likhna hai agar case study aaye, a chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he, agar aman raman raman and company ne kisi aise person ko apne naam mein aisa chartered accountant in practice allow kiya jabki wo dusra vyakti bhi ya to ca in practice hi nahi hai, या आपका पार्टनर या आपका फुल टाइम एम्प्लॉय भी नहीं है, यानी आपके नाम में कौन सीए के नाम में प्रैक्टिस कर सकता है एज अ सीए इन प्रैक्टिस। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ये मेरी फॉर्म से एसोसिएटेड है और ये सीए इन प्रैक्टिस है, तो वो बंदा सच्ची में चार्टर्ड अकाउंटेंट होना भी चाहिए, उस बंदे के पास सच में सीओपी होना भी चाहिए, और वो बंदा सच में आपकी फर्म से एसोसिएटेड आइदर इन द कैपेसिटी एज योर एम्प्लॉय और इन द कैपेसिटी एज योर पार्टनर होना चाहिए। अगर आप अपने किसी सीए फ्रेंड को बोल देते हैं, सीए फ्रेंड है, सीए है, सीओपी है, पर फ्रेंड है, आपकी फर्म में पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं है, और आप उसको किसी क्लाइंट के सामने बोल देते हैं, अरे हाँ हाँ ये जो सीए फ्रेंड है ये मेरा पार्टनर है, तो क्योंकि आपने झूठ बोला, आपने उसको अलाउ कि अपनी फर्म नेम में प्रैक्टिस करने के लिए, आपने कहा यस ये मेरा पार्टनर है, जाओ तो मेरी फर्म के बिहाफ पे मेरी फर्म के पार्टनर बन करके चले जाओ, क्योंकि आपने ऐसा बोला, यू वुड बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नाउ आई गेस द एग्जाम्पल इज क्लियर। नाउ क्लॉज नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले नियम आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट अमन इज देयर, नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट अमन अगर वो सी इन प्रैक्टिस हैं तो वो गिल्टी हो जाएंगे अगर वो पे करते हैं या इवन एग्रीमेंट भी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो बोल करके कि मैं तुम्हें शेयर खिला रहा हूँ अपना फीस का। ये क्लॉज क्यों बनी थी? रेफर करने के लिए। जैसे कई बार होता है कि डॉक्टर्स में इस तरह की चीज़, गुड फेथ में मैं बोल रहा हूँ, कई बार कुछ जगहों पर ऐसा हो जाता है, कोई डॉक्टर कहता है आप उसी वाले लैब से टेस्ट कराइएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर लैब से यदि उनका कमीशन आता है, यदि किसी जगह पर ऐसा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट? तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मान लो पैसे ऐसे रिसीव कर रहा है कि उसको जो फीस मिल रही है उसमें से किसी को शेयर खिला रहा है, कमीशन खिला रहा है, तो क्यों वो ऐसा कर रहा है? इसका मतलब उसके पास जो काम आया वो उसकी अपनी वर्थ की वजह से नहीं आया, किसी और की सेवाओं को यूज करके उसके पास काम आया जिसके लिए उसने अपनी फीस में से कमीशन दिया। सो इट शुड नॉट बी देयर। तो आप किसी को अपनी फीस में से ब्रोकरेज या कमीशन नहीं देंगे, नो आप ऐसे काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपके पास काम आएगा आपके अपने नाम से काम आएगा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, पर आप अपनी फीस में से शेयर दे सकते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जस्ट लाइक
हम लोग जॉइंट ऑडिटर्स के केस में करते हैं, जॉइंट ऑडिटर्स के केस में हम आपस में फीस की शेयरिंग करते हैं। आप अपने किसी भी पार्टनर के साथ फीस की शेयरिंग कर सकते हैं, वेदर दैट पार्टनर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर वो आपकी फर्म में पार्टनर है तो पार्टनरशिप के तो प्रॉफिट शेयर होते ही होते हैं। रिटायर्ड पार्टनर को उसका शेयर दे सकते हैं। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसकी डेथ पे जो भी ड्यूज डिसाइड हुए हैं, ड्यूज आप उसकी डेथ पे डिसाइड कर लीजिए और उसको आप अगले 5 साल में, जैसे इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म्स में, यू कैन पे द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। इट कैन बी ये जो पर्सन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये विडो हो सकता है, सन हो सकते हैं, डॉटर हो सकते हैं, उन पे आश्रित लोगों को आप ऐसा दे सकते हैं। या अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया था, प्रोफेशनल बॉडीज या प्रिस्क्राइब क्वालिफाइड बंदों को आप शेयर दे सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आई गेस दिस वॉज इन 2018 या 19, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था। आई एम नॉट वेरी श्योर कौन से ईयर में आया था, बट स्टिल ठीक है ना। इसमें सब क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे, आप किस किस के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। इन लोग दो बार आपसे पूछ चुके हैं एडवोकेट के साथ में शेयरिंग की बात, तो यस एडवोकेट्स के साथ शेयरिंग अलाउड है। आपकी जितनी सिस्टर कंसर्न्स है सबके साथ आपकी शेयरिंग अलाउड है। कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन आर्किटेक्चर, बैचलर इन लॉ, MBA, इनके साथ आप शेयरिंग कर सकते हैं। मैम कैसे शेयरिंग कर सकते हैं? आजकल इस तरह की चीज़ चलती है, एक पर्टिकुलर लॉयर है वो आपका फ्रेंड है, लॉयर के पास कोई केस आता है सिविल कोर्ट का, क्लाइंट उसको कहता है सर कोई सीए हो तो बताइएगा। सीए के पास कोई बंदा आता है वो कहता है कि सर, मतलब कोई क्लाइंट कहता है सर कोई सिविल कोर्ट के लिए अच्छा लॉयर हो तो बताइएगा, ठीक है उस पर्टिकुलर केस में चलेगा। पर अगर आपने किसी डॉक्टर को पैसा दिया, सो डॉक्टर इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, वो नहीं चलेगा। केवल शेयरिंग किसके साथ अलाउड है? कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, इंजीनियर्स के साथ में, लॉयर्स के साथ में एंड MBAs के साथ में। अब आपने कहा अगर डिसीज पार्टनर हो जाता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ड्यूज डिसाइड कर लीजिए एंड देन आप उसको पैसा दीजिए लाइक इंस्टॉलमेंट में बांध के, तो आप दे सकते हैं। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल आया था सोल प्रोप्राइटरशिप का लॉन्ग बैक। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता था इस रूल के आने से पहले, अगर मान लेते हैं कोई एक्स एंड कंपनी है और एक्स एंड कंपनी, याद करो क्या क्या पढ़ा हुआ है, अगर एक्स एंड कंपनी में दिस इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है तो इंस्टीट्यूट इस फर्म नेम को खाली कर लेता था, अलाउ कर सकता था वो किसी भी दूसरे पर्सन को। अब इन पर जो लीगली, इन पर जो डिपेंडेंट, फाइनेंशियली डिपेंडेंट पर्सन्स हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं होता था, क्योंकि यहाँ सोल प्रोप्राइटर की डेथ के बाद उन लोग फर्म नेम को बेच नहीं पाते थे। तो इंस्टीट्यूट ने नियम बनाया, इंस्टीट्यूट ने कहा अगर देखो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर के लीगल आश्रित, जो उन पर फाइनेंशियली आश्रित लोग हैं, ठीक है, उनको जो है कुछ सहायता मिल जाती है, क्योंकि डिसीज पार्टनर को पैसा मिल जाता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बेसिकली। पर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर की डेथ होते ही सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी खत्म हो गई, तो जो सोल प्रोप्राइटर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई सहायता, वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती थी। तो इस केस में उन लोग ने नियम बनाए, उन्होंने कहा फर्म नेम को 1 साल तक अगर जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने किसी पर्टिकुलर एलिजिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट को ढूंढ लिया तो वो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट उस फर्म के लीगल रिप्रेजेंट, वो जो फर्म में सोल प्रोप्राइटर की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे दे सकता है। मतलब अगर मान लेते हैं मिस्टर एक्स की डेथ हो गई तो अब 1 साल तक मिस्टर एक्स जो हैं, इन पर्टिकुलर मिस्टर एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये पर्टिकुलर फर्म नेम एक्स एंड कंपनी, अगर एक्स एंड कंपनी के पास 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सारी की सारी चीज़ें साथ में और विद द क्लाइंट सारा काम चला जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट परचेज जो करना चाहता है इस फर्म की गुडविल उसको बेच सकते हैं। तो नियम क्यों बनाया इंस्टीट्यूट ने? सोल प्रोप्राइटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वित्तीय सहायता देने के लिए। मतलब
अगर मिस्टर कुरैशी की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, उनकी विडो कहती हैं कि हम प्रैक्टिस को बेच देंगे मिस्टर पी को 5 लाख रुपए के लिए, इसमें फर्म नेम भी यूज करने की बातों की, कैसा हो सकता है? सब कुछ ऐसा हो सकता है यदि ये प्रैक्टिस का सेल विद इन 1 ईयर हो गया हो, पर अगर 1 ईयर के अंतर्गत इंस्टीट्यूट का परमिशन भी ले लिया गया हो, पर अगर लीगल हेयर को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के डिस्प्यूट है, एक पर्सन की मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, उनके 2 बेटों में डिस्प्यूट चल रहा है, 2 बेटे हैं पी और क्यू, दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिस्प्यूट की इंटीमेशन इंस्टीट्यूट के पास पहुंच गई तो इंस्टीट्यूट डिस्प्यूट के सेटल होने तक इंतजार करेगा। डिस्प्यूट जिस भी बेटे के नाम में सेटल होगा उस बेटे को 1 साल का वक्त दिया जाएगा उस फर्म नेम की गुडविल को किसी एलिजिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेल करने के लिए। तब वो परचेजर गुडविल का पैसा दे सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड प्रोप्राइटर को, दैट इज द नियम आपके पास में, ठीक है। तो अगर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट सेटल होने से 1 साल का समय दिया जाएगा गुडविल को बेचने के लिए, मतलब फर्म नेम को बेचने के लिए अलॉन्ग विद द क्लाइंट। नाउ क्लॉज नंबर 2 था पैसा पे नहीं करना है, क्लॉज नंबर 3 है किसी से भी पैसा रिसीव नहीं करना है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस गिल्टी हो जाएगा अगर उसने पैसा रिसीव किया किसी भी ऐसे पर्सन से जो नहीं है मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक फ्रेंड डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने डॉक्टर को बोला मैं तुमको मरीज दिला दूंगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर का हॉस्पिटल है, मेरे क्लाइंट कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ का ट्रीटमेंट कराते हैं उसके लिए तुम्हारे हॉस्पिटल को यूज़ करेंगे, पर तुम्हारे पास जितने मरीज जाएंगे उसमें से शेयर मुझे देना। तो नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के इतने बुरे दिन नहीं आए, पर वो लोग शेयर कर सकते हैं जो जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे प्रोफेशनल बॉडीज वाले, किन किन के साथ, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स, MBAs, इनके साथ शेयरिंग अलाउड है। इनके अलावा हाँ, डॉक्टर से आप पैसा रिसीव नहीं कर सकते, दैट इज फॉर श्योर। नाउ क्लॉज नंबर 4 कहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस गिल्टी हो जाएगा अगर वो पार्टनरशिप में एंटर करता है। आज के दिन वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन के साथ में, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन की लिस्ट वही है। यानी जब आज के दिन हम लोग LLPs की बात करते हैं तो आज जब LLPs बन रही हैं तो आप LLPs के अंदर कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, इन सब के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, राइट। नाउ अब आपने कहा और एक CA प्रैक्टिस दूसरे CA प्रैक्टिस के साथ में तो पार्टनरशिप में एंटर कर ही सकता है अपना प्रोफेशन कैरी करने के लिए, राइट। पर अगर इनके अलावा किसी और के साथ पार्टनरशिप में एंटर किया, मतलब क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अमन, बताइए क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अमन एक डॉक्टर के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है? तो नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अमन हु इज इन प्रैक्टिस, पूरा पार्ट वन प्रैक्टिसिंग के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अमन अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ एनी पर्सन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और द प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन जो हमने लिस्ट में पढ़े हैं। तो वो डॉक्टर के साथ में प्रैक्टिस के पर्पस के लिए पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। अब क्लॉज नंबर 5, इफ यू सिक्योर एनी प्रोफेशनल बिजनेस थ्रू सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय पार्टनर ऑफ CA और बाय मींस व्हिच आर नॉट ओपन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी मंत्री की सेवाओं को यूज किया, मंत्री ने अपना इन्फ्लुएंस दिखा, मान लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अमन के चाचा जी इज अ मिनिस्टर। नाउ मिनिस्टर साहब ने इन्फ्लुएंस यूज किया कुछ कंपनीज के ऊपर और कहा मेरे भतीजे के पास से आप ऑडिट कराइएगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसकी काबिलियत की वजह से काम नहीं मिला, किसी दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से काम मिला, चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी हो जाएगा। या बाय मींस विच आर नॉट ओपन, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जाकर किसी को धमकी दिया, डराया धमकाया कि या तो मेरे को तुम ऑडिट का काम दो अदरवाइज
नतीजा अच्छा नहीं होगा तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट दोषी हो जाएगा। बट प्लीज़, क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 5 ऐसी क्लॉजेज हैं जिन पे जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन थोड़े स्पेसिफिकली क्लॉज पे पूछे जाते हैं। तो क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका बाद में पढ़ेंगे। नाउ क्लॉज सो क्लॉज नंबर 6 ने बोला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस काम करने का आग्रह किसी से नहीं करेगा, किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेगा कि प्लीज आप काम मुझसे कराइए, आग्रह नहीं करेगा, सॉलिसिट नहीं करेगा क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क को, ना डायरेक्टली ना तो खुद से फ़ोन करेगा, हाय हाउ आर यू, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इसी पर्टिकुलर सिटी में आप ही के शहर में प्रैक्टिस करता हूँ, आपने आज तक जिन भी सीए से काम कराया है मैं उनसे ज़्यादा अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ना खुद और ना ही अपने आर्टिकल्स को बोलेगा ये काम करने के लिए, टैली कॉलिंग वगैरह करने के लिए, नो ही कैन नॉट, ना तो पर्चे बटवाएगा, ना ऐड करेगा, ना कोई पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यूज, ना कोई और मीन से। अब इन सब का एक्सप्लेनेशन आगे पूरा किताब में दिया है। हाउएवर ही कैन अप्लाई रिक्वेस्ट इनवाइट प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सी इन प्रैक्टिस, पर आप किसी दूसरे सी ए से काम मांग सकते हो, किसी दूसरे सी ए को ऑफर कर सकते हो। एंड रिस्पॉन्ड टू टेंडर्स और इंक्वायरीज, अब आप ये टेंडर्स और इंक्वायरीज को ध्यान रखिएगा, टेंडर्स और इंक्वायरीज के ऊपर एक गाइडलाइन आई हुई है जो हम लास्ट पेजेस में पढ़ेंगे, यानी आप टेंडर्स को अप्लाई कर सकते हो। टेंडर्स में किन टेंडर्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्या मिनिमम फीस क्राइटेरिया, उसके ऊपर लास्ट में एक गाइडलाइन पढ़ते हैं किताब में। नाउ जो भी सर्विसेज आप टेंडर कर रहे हो वो पर्सनल नेचर की, अगर क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड होगा तो ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आपके लिए दी बेस्ट होएगी, आपको अपने बारे में फट्टे नहीं मारने हैं, आपको किसी से काम मारने का आग्रह नहीं करना है, आपके इतने बुरे दिन नहीं आए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस साहब, यदि आप किसी के सामने काम मांगते हैं तो आप दोषी हो जाएंगे। नाउ आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ठीक है, पर आप प्रेस में, न्यूज़पेपर में, अगर आपका ऑफिस है से फॉर एग्जाम्पल मुंबई में, तो आप मुंबई के लोकल न्यूज़पेपर में एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होना चाहिए, आपकी सिटी वाला ही, इंडिया टुडे में नहीं, ठीक है, जो क्लासिफाइड एड्स आते हैं आपके शहर वाले, उन वाले क्लासिफाइड एड्स में, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस लिमिटेड होने चाहिए, सिर्फ जितनी बात बोलना जरूरी है उतनी बात बोलेंगे, आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे अमन रमन नमन एंड कंपनी अ वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हैविंग 30 years ऑफ ग्लोरियस सर्विसेज टू द इंडस्ट्रीज इज प्लीज टू अनाउंस ग्रैंड ओपनिंग ऑफ इट्स न्यू ऑफिस प्रमाइसिस एट अ वेरी पॉश लोकैलिटी इन अंधेरी मुंबई फ्रॉम इट्स ओल्ड ऑफिस इन गोरेगांव। नो, आप ऐसे एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देंगे, आप अपने कोई बर्थडे नहीं मारेंगे। नाउ हाँ, इंस्टीट्यूट के, हाँ अगर आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फॉर्म डिसॉल्व होती है तो आप ये ऐड दे सकते हो। इंस्टीट्यूट के न्यूज़लेटर में आप दूसरे सीए से काम मांगने की बात कर सकते हो, पर आप अपने फॉर्म का मेल आईडी कभी नहीं देंगे। देखिए फॉर्म नेम हमेशा यूनिक है, जगह जगह इन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स में फॉर्म नेम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, राइट? तो आप कोई भी, एक इम्पॉर्टेंट नोट, अगर आप कोचिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और आप सीए इन प्रैक्टिस भी हैं, सीए इन प्रैक्टिस भी हैं, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर आपका नेम बोर्ड लगा है, नेम बोर्ड लगा है, अब ध्यान से समझिए, एडवर्टीजमेंट ऑफ देयर एसोसिएशन इन कोचिंग एक्टिविटी बाय सीए इन प्रैक्टिस थ्रू होर्डिंग पोस्टर्स बैनर्स एटसेट्रा इज नॉट अलाउड। आप सीए इन प्रैक्टिस है, सब्जेक्ट टू दिस प्रोहिबिशन दे मे पुट आउटसाइड कोचिंग प्रमाइसेस साइन बोर्ड कंटेनिंग नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सब्जेक्ट डॉट। आप ये नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अमन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस बी एस सी ओ पी बी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर अपना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया, हाँ मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ सीए अमन, नो दैट इज प्रोहिबिटेड। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सॉलिसिट कर रहे हैं, जो लोग रोड पर निकलेंगे उनको क्या लगेगा, ओ सीए अमन साहब सीए इन प्रैक्टिस भी है
ऑडिट भी पढ़ाते हैं, चलो इन्हीं से ऑडिट कराते हैं, या टैक्स पढ़ाते हैं, इन्हीं से टैक्सेशन की एडवाइसेस लेते हैं। नाउ इम्पैनलमेंट, आजकल इंस्टीट्यूट की साइट पर MEFs आए हुए हैं, मल्टीपल इम्पैनलमेंट फॉर्म्स आए हुए हैं। अगर कोई भी अथॉरिटी इम्पैनलमेंट करती है, एक लिस्ट मेंटेन करती है, जस्ट लाइक CAG एक लिस्ट मेंटेन करता है, जस्ट लाइक कुछ बैंक्स कंकरेंट ऑडिट्स के लिए इम्पैनलमेंट करते हैं, तो आप अगर आपको पता है सामने वाली अथॉरिटी इम्पैनलमेंट करती है, तो आप उन लोगों को लिख सकते हैं कि प्लीज़ आप मेरा नाम भी लिस्ट में रख सकते हैं, आप उनको अपनी डिटेल भेज सकते हैं। पर आप उनको रोविंग इंक्वायरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कोई रोविंग इंक्वायरीज नहीं करेंगे, आप बार बार उनको तंग नहीं करेंगे, हमारा नाम इम्पैनलमेंट में, हमारा नाम लिस्ट में, फिर भी आप हमें काम क्यों नहीं दे रहे हैं। नो, यू कैन नॉट से। आप कोई उनको कॉपीज ऑफ फीस नहीं भेजेंगे कि हम इतने दिन काम करते हैं तो इतनी फीस, इतने दिन काम करते हैं तो इतनी फीस, कोई रेट लिस्ट नहीं भेजेंगे। एंड अगर कोई भी इम्पैनलमेंट भी रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए तो आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, अदरवाइज आजकल तो इंस्टीट्यूट ने MEFs के लिए बेसिकली एक चीज़ बनाई, एक मल्टीपल इम्पैनलमेंट फॉर्म, मल्टी इम्पैनलमेंट फॉर्म, आप इंस्टीट्यूट की साइट पे जा कर के उसको भर सकते हैं, आपसे कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह नहीं मांगे जाएंगे। तो यस, इस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ टेलीफोन या अदर डायरेक्टरीज, जैसे हम येलो पेजेस कहते हैं, ट्रेड डायरेक्टरीज कहते हैं, जहाँ पर आपको आपके ट्रेड से, आपके बिजनेस से, आपके प्रोफेशन के नाम से जाना जाता है। सो जैसे येलो पेजेस हो गया, जस्ट डायल सर्विसेज हो गए, इस तरह की सर्विसेज हो गए, तो ऐसे टेलीफोन डायरेक्टरी में, येलो पेजेस में, आप अपना नाम दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेक्शन में। इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, तो आपकी जो फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस जाएगा, वो फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, फर्म का टेलीफोन नंबर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट या टैक्स एक्सपर्ट ऐसे किसी कॉलम में नहीं जाएगा। सिर्फ कौन से नाम से जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेक्शन में जाएगा। कोई बोल्ड लेटर्स में आप अपना नाम नहीं छपवाएंगे, कोई आप अलग से उसका ऐड नहीं देंगे येलो पेजेस में। लोकल डायरेक्टरी में जाएगा, आपका मुंबई में ऑफिस है तो मुंबई की डायरेक्टरी में जाएगा। नाउ एंट्रीज लॉजिकल होनी चाहिए, पेमेंट फॉर एंट्री 50-100 रुपये आपसे लिए हों, आप कोई येलो पेजेस में, ट्रेड डायरेक्टरी में आधा आधा एक एक पेज का ऐड नहीं डालेंगे। और एंट्रीज ऑल CAs के लिए ओपन होनी चाहिए। अगर उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि हम केवल 25 ईयर के एक्सपीरियंस वाली फर्म्स को ही एंटर कराएंगे, तो ऐसी ट्रेड डायरेक्टरी में आपका नाम नहीं होना चाहिए। नाउ आई गेस दैट इज ओके, प्रोहिबिटेड, नो नो। नाउ हैंडबिल्स, एक पर्टिकुलर बजट आता है, किसी भी तारीख को बजट आता है, आप एक बजट हाईलाइट बनाते हैं, बजट हाईलाइट के ऊपर आप अपनी फर्म का नाम देते हैं और आप जाके रोड पे बंटवा देते हैं, 5-star hotels के आगे बंटवा देते हैं। नो, दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल। आप उस बजट हाईलाइट्स को, हैंडबिल्स को, उन पर्चों को, किसी की कुछ, आपने कुछ इंटरेस्ट की बात लिखी, आपने GSTR 9 पर कुछ बात लिखी, कुछ भी ऐसी चीज़ लिखी, आप केवल अपने क्लाइंट्स को बंटवा सकते हैं, दूसरे लोगों को नहीं बंटवाएंगे आप इसको, नहीं तो फिर दूसरों को क्या लगेगा, ओ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस देखिए कितने अच्छे हैं, हमारे से ये तो हैंडबिल्स बंटवा नहीं रहे हैं कि बजट की हाइलाइट्स क्या है, ये दूसरे से ये इन प्रैक्टिस जो है सब लोगों को बंटवा रहे, चलो इन्हीं से हम टैक्स का काम करा लेते हैं। नाउ आप बुक्स छाप सकते हैं, बिल्कुल उसको पब्लिश करा सकते हैं, अपना नाम, आपकी पढ़ाई लिखाई सब आ सकता है, बट किसी भी हालत में आपकी फर्म का नाम नहीं आएगा। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे मेरी फर्म का नाम अमन रमन नमन एंड कंपनी है, आप किताब छापिए, आप एक GST के ऊपर किताब लिखिए, इनकम टैक्स पर, ऑडिट पर, अकाउंट्स पे, किसी पे भी किताब लिखिए, अमन कुमार, उसने कब CA किया, कितने साल में CA किया, सारी चीज़ें लिखिए, पर आप ये नहीं लिखेंगे कि उसकी फर्म का नाम क्या है। ग्रीटिंग कार्ड और इन्विटेशन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने घर में कोई या अपने ऑफिस में कोई जागरण करता है, कोई रिलीजियस सेरेमनी करता है, यस हो सकता है उसके घर में कोई मैरिज होती है, उसकी शादी होती है, या उसके ब्रदर सिस्टर बेटे की मैरिज है, या ओपनिंग है ऑफिस का, तो ठीक है, जाहिर सी बात है सभी लोग एक दूसरे को बुलाते ही हैं, या अगर चेंज कर रहे ऑफिस में तो भी बुलाते हैं, आप इवन फर्म नेम दे सकते हैं इस पर। यानी अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है अमन और अमन की बिटिया की शादी हो रही है, तो अमन उस शादी के कार्ड पर लिख सकते हैं, जैसे RSVP में लिखते हैं, ठीक है, RSVP में अमन रमन नमन एंड कंपनी, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज माइंड इट, अब इसको दुनिया को मत बंटवाइएगा।
प्रोवाइडेड ये सारे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह आप केवल अपने क्लाइंट, दूसरे सीएस के क्लाइंट्स नहीं, अपने रिलेटिव्स और अपने क्लोज फ्रेंड्स को दे रहे हो। अगर मान लेते हैं आपके शहर का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आईसीआई में कंप्लेंट कर देता है कि देखो जी ये जबरदस्ती मेरे को बुला रहे हैं और जबरदस्ती मुझे हर हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस सब पर मुझे ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं और उसमें इनकी फर्म का नाम होता है, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट कह देता है वो आपको नहीं जानता है, तो इंस्टीट्यूट में आप दोषी हो जाएंगे, राइट? तो आप अनजान लोगों को ये चीज़ें नहीं बंटवाएंगे। अगर आप जान पहचान के लोगों को ये चीज़ें बंटवा रहे हैं, येस दैट इज़ अलाउड, इवन द फॉर्म नेम इज़ अलाउड। आप किसी को भी खामखा में रोविंग इंक्वायरीज मत भेजिए कि आपको कोई काम कराना है क्या, तो हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं और दिस और दैट। ऑल तो इसके ऊपर अभी एक क्लॉज नंबर 7 में कुछ बात आएगी ना। जब हम सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 की बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो आपको पता होगा वहां पर एक प्रोविजन आता है जिसमें स्पेशल नोटिस की बात आती है। अगर स्पेशल नोटिस दिया हुआ है, यदि स्पेशल नोटिस, आप आई गेस कंपनी ऑडिट का रिविजन क्लास अब तक कर चुके होंगे, तो यू पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट कि स्पेशल नोटिस कुछ मेंबर्स ने 14 डेज पहले कंपनी को दिया कि किसी को भी रख लेंगे, इसको नहीं रखेंगे, तब उस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। पर आप उस राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं बोलेंगे, कोई एक्स्ट्रा पब्लिसिटी नहीं, किसी के अगेंस्ट आपत्तिजनक रिमार्क नहीं करेंगे, आप डायरेक्टर्स को कुछ भला बुरा नहीं बोलेंगे। Whatever you have to say in that representation must be professional and unbiased. Whatever you want to convey, आप केवल ये कह सकते हैं कि यदि आप मुझे आप मेरे को कॉन्टिन्यू कराना पसंद कर रहे हैं तो yes, मैं कॉन्टिन्यू करना पसंद करूँगा, बट आप किसी के अगेंस्ट इधर उधर की उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो क्लॉज 6 में दोषी हो जाएंगे। Now, अगर आपको एक दूसरे सीए ने अमन को अमन सी ए अमन था और सी ए अमन को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश ने अपने क्लाइंट से मिलाया, अब क्लाइंट से इंट्रोड्यूस चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश ने किया था और वो पर्टिकुलर क्लाइंट अगले दिन सी ए अमन के पास फाइल लेकर के आ गया, तो क्या अमन को वो काम एक्सेप्ट करना चाहिए, उस बंदे का काम जिस बंदे से इंट्रोड्यूस ही दूसरे सीए ने कराया? नहीं, अमन को बोल देना चाहिए आप उस सीए के थ्रू आइए। हो सकता है इस सीए के पास 60 टैक्स ऑडिट अगर ये कर सकता था तो 60 टैक्स ऑडिट का काम खत्म हो गया हो, 60 की लिमिट पूरी हो गई हो, तो ये पर्टिकुलर क्लाइंट आपके पास आया हो, जी आप कर दो मेरा ऑडिट क्योंकि आकाश ने एक पार्टी में आपसे मुझे मिलाया था, तो आप उसको बोलिए आप सी आकाश के थ्रू आइए, मतलब किसी दूसरे के क्लाइंट्स को कट नहीं करना है आपने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आप पब्लिक इंटरव्यूज दे सकते हो, बट प्लीज पब्लिक इंटरव्यूज हमारे डिटेल में डील होते हैं जब हम लोग क्लॉज नंबर 7 पढ़ते हैं जहाँ पे हम मीडिया की बात करते हैं। आप पब्लिक इंटरव्यूज दे सकते हो, बट प्लीज ये कोई अनड्यू पब्लिसिटी नहीं करेंगे आप अपना। बॉक्स नंबर, जैसे राइट टू पीओ बॉक्स नंबर, पीओ बॉक्स नंबर अपने हिंदुस्तान टाइम्स में कोई ऐड दिया HT2338 राइट टू पीओ बॉक्स नंबर, आप जो ऐड अपनी आइडेंटिटी बता के नहीं दे सकते हो, वो ऐड आप अपनी आइडेंटिटी छुपा करके भी नहीं दे सकते हो। सो आप अगर काम मांगने के लिए ऐड अपनी फर्म के नाम से नहीं दे सकते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी छुपा कर पीओ बॉक्स नंबर में भी नहीं दे सकते हो। नाउ वेबसाइट, क्या आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, यू आर फ्री, एनी कलर, कोई भी कलर आप यूज कीजिए, ब्राइट ब्लू, रेड, येलो, मजेंटा, पिंक, कुछ भी कलर, क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर। नाउ आपकी वेबसाइट एड्रेस www.amanramannamanandcompany.com आपकी वेबसाइट एड्रेस प्रोफेशनल स्टेशनरी पे रहेगा, पर वेबसाइट उसी को देखनी चाहिए जो वो वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेगा, मतलब आपकी वेबसाइट एज अ पॉपअप नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई फेसबुक को लॉगिन कर रहा है और साइड में एक छोटा सा पॉपअप आ रहा है, जैसे पॉपअप्स आ जाते हैं आजकल, आपको उसको क्रॉस करना पड़ता है, हे डू यू वांट एनी स्पेशलाइज सीए सर्विसेज, प्लीज लॉग ऑन टू, प्लीज विजिट अमन रमन नमन, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस वेबसाइट शुड नॉट अपीयर एज अ पॉपअप, शुड नॉट अपीयर एज एन एडवर्टाइजिंग साइट, ये पुश मोड में नहीं होनी चाहिए वेबसाइट। नाउ परमिटेड इंफॉर्मेशन विद इन वेबसाइट,
ये सब आपने पढ़े हुए हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, मेंबर्स का फोटोग्राफ आ सकता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मेंबर्स का आ सकता है। पर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर मान लेते हैं आपको कोई बहुत कोई आर्टिकल्स की फोटोज आप लगा रहे हो या ऐसी चीजें दे रहे हो तो नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना बड़ा सा एक ऑफिस रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वाओ सच ए ग्रैंड ऑफिस आई हैव ऑफ 8,000 स्क्वेयर फीट का मेरा ऑफिस है, तो नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, दिस वुड रिजल्ट इन अ सॉलिसिटेशन। नाउ आप रेफरेंस दे सकते हो सिर्फ आईसीआई या गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट का, यानी आपकी जो प्रोफेशनल वेबसाइट है अमन रमन नमन CA.com, आपकी जो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट, क्या इसके ऊपर आपके पर्सनल फेसबुक अकाउंट का हाइपरलिंक हो सकता है? नो। क्या इसके ऊपर कोई रोटरी क्लब का हाइपरलिंक हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके ऊपर हाइपरलिंक सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड सेबी की वेबसाइट, आरओसी की वेबसाइट, इन सब का हो सकता है, या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस की वेबसाइट, कोई वॉलंटरी वेबसाइट्स का नहीं हो सकता हाइपरलिंक। नाउ आप बजट हाईलाइट दे सकते हो कॉमन लोगो प्रिस्क्राइब बाय आईसीएआई, सीएस के लिए कॉमन लोगो जो प्रिस्क्राइब्ड है वो लोगो आ सकता है। नाउ विद इन वेबसाइट आप स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट दे सकते हैं। स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट का मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर इन चीज़ों के आइकन्स बने हुए होंगे, कोई पर्सन अगर इन आइकन पे क्लिक करता है केवल तभी वो इन्फॉर्मेशन अपियर होगी, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन अपियर नहीं होगी। सो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये तो आपकी वेबसाइट खुलते ही अपियर हो जाएगी सारी की सारी, पर ये विद इन वेबसाइट स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट, स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट आप किस तरह की सर्विसेज रेंडर करते हैं, आज तक आपने किस तरह के असाइनमेंट हैंडल किए हैं, बैंक ऑडिट किया है, कंकरेंट ऑडिट्स किए हैं, इंटरनल ऑडिट्स किए हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स किए हैं, क्वालिटी ऑडिट्स किए हैं, एनर्जी ऑडिट्स किए हैं, एनवायरमेंटल ऑडिट्स किए हैं, आज तक क्या काम किया है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ पार्टनर, जैसे हर फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, कोई पार्टनर टैक्स में एक्सपर्टीज होती है, किसी को जीएसटी में एक्सपर्टीज होती है, किसी को ऑडिट में एक्सपर्टीज होती है, किसी को मर्जर्स एंड एक्विजिशन में एक्सपर्टीज, तो आप आइकॉन बनाइए जो आइकन पर क्लिक करेगा तभी ये इन्फॉर्मेशन अपीयर होए। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ आर्टिकल क्लर्क इन ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। नाउ आप किसी भी हालत में नेम ऑफ क्लाइंट ऑफ रिचार्ज नहीं देंगे, परंतु आप दे सकते हैं, ठीक है। नाउ एक अमेंडमेंट हुई थी, अब तो बहुत साल गुजर चुके हैं इस अमेंडमेंट को भी, अगर डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ क्लाइंट ऑफ फी चार्ज ऑन द वेबसाइट इज परमिसेबल, अगर आरओसी, मान लो आरओसी ने बोला कि सीए की वेबसाइट में कंपनी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, केवल तब आप क्लाइंट्स के नाम देंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं तो क्या होगा, देखिए आज के दिन तो अभी ऐसा नहीं है, तो आप आज के दिन तो क्लाइंट्स का नाम नहीं देंगे, अदरवाइज क्या होगा, जो सीए फॉर्म है अमन रमन नमन एंड कंपनी उसकी वेबसाइट के ऊपर नाम आएगा कि हमने ऑडिट किया है, क्लाइंट की लिस्ट आएगी, रिलायंस, आईटीसी, समझ पा रहे हो, रिलायंस का किया है ऑडिट, आईटीसी का किया है, भारती टेली का किया, तो सबको लगेगा अरे वाह ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट्स करते हैं, राइट। सो उससे भी कहीं ना कहीं सॉलिसिटेशन वाली फीलिंग आ जाती है, तो ऐसा नहीं होएगा। हाँ अगर जो है कहीं पर रेगुलेटर ने बोला हुआ है, तो यदि रेगुलेटर ने बोला है तो आप क्लाइंट्स का नाम दीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं दीजिएगा क्लाइंट का नाम या फी चार्ज, लोगो अदर देन दैट प्रिस्क्राइब बाय आईसीआई। अगर आप चाहते हैं आप अमन रमन नमन एंड कंपनी, अमन रमन नमन ऐसे एक लोगो बना दें अपना, तो नो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज प्रोहिबिटेड, आपका कोई पर्सनल लोगो नहीं चलेगा बिल्कुल भी, आप सिर्फ मेंबर्स की फोटोग्राफ हो सकती है, उसके अलावा और कोई फोटोग्राफ नहीं हो सकती, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई दूसरी वेबसाइट का या कोई कोई फेसबुक पेज का या कोई, जैसे आजकल ये लोग अपनी प्रोफेशनल लिंक्डइन की आईडी का लिंक दे देते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी। नाउ अदर इश्यूज, एड्रेस ऑफ वेबसाइट आपकी फर्म से मिलता जुलता अमन रमन नमन एंड कंपनी, अमन रमन नमन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डॉट कॉम, ARN एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डॉट कॉम, ऐसा नाम रख सकते हैं, पर अमन रमन नमन एंड कंपनी अमन प्राइस वाटर हाउस कूपर्स डॉट कॉम तो नाम नहीं रख सकता भाई, ठीक है। तो अपने नाम से मिलता जुलता एज नियर एज पॉसिबल आप रखेंगे। एड्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट को सॉलिसिट करे, मीनिंग देयर बाय
एड्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसा नहीं नाम रखेंगे अमन रमन नमन एंड कंपनी एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डॉट कॉम, नो दैट इज रॉन्ग, राइट। आप गूगल सर्च इंजन पे आपकी लिस्टिंग केवल तभी आनी चाहिए, लिस्टिंग ऑफ सीए वेबसाइट अलाउड, अगर कोई पूछे इंडियन सीपीए, अगर कोई या इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंडिया प्लस एसीसीए ऐसा नाम, अगर कोई पूछता है इंडिया प्लस, इंडिया प्लस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, तो आपका फॉर्म नेम का हाइपरलिंक नहीं आना चाहिए, उसका लिस्टिंग नहीं आना चाहिए। गूगल में क्या होता है, गूगल के सर्च इंजन में कुछ कीवर्ड्स अगर अपीयर होते हैं तो आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटी मिलती है। तो आपकी वेबसाइट केवल तब कब अपीयर होनी चाहिए जब किसी ने सीए या सीए से मिलते जुलते एक्सप्रेशंस बोले हों। हाइपरलिंक किसी और का जाएगा ही नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट रिलेटेड का ही जाएगा। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसके बाद जब भी आप एनुअल मेंबरशिप फॉर्म भरते हैं और फीस जमा कराते हैं तब आप अपनी मेंबरशिप के फीस के सबमिशन के साथ साथ अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दीजिएगा, क्योंकि जब आप एड्रेस दीजिएगा तो इंस्टीट्यूट अपने आप देख लेगा कि आपकी वेबसाइट इन गाइडलाइंस को कंप्लाई विद कर रही है या नहीं कर रही है। नाउ आप दूसरी वेबसाइट के थ्रू सर्विसेज दे सकते हैं, यस, टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम, सी ए के आजकल बहुत सारे वो बने हुए हैं, सी ए क्लब और दिस और दैट, उन पे भी आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइसेस दे सकते हैं, बट वहाँ पे भी आप फर्म नेम नहीं देंगे, आपका फर्म नेम नहीं देना है, जहाँ आपने फर्म नेम दिया इट इज डिसअलाउड। ओके, सो ये सब आपके हो गए, इनमें सब हिंट आंसर्स आपको दिए हुए हैं, ये सब पहले पढ़ने की चीज़ें थी, नॉट इन क्विक रिविजन। नाउ जब हम क्लॉज नंबर 7 कहते हैं, जस्ट अ मिनट, सो जब हम लोग क्लॉज नंबर, बिकॉज यू पीपल कैन पॉज, आई कैन नॉट पॉज दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग, ओके। सो जब आप लोग क्लॉज नंबर 7 कहते हैं, अगर आपको लगे अभी के लिए आपके लिए काफ़ी हो गया है व्हाटएवर, तो आप इसको अभी थोड़ी देर पॉज करके फिर आप आगे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट में मैंने एमसीक्यूज उठाने हैं, ओके। नाउ जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात करते हैं क्लॉज नंबर 7, तो क्लॉज नंबर 7 में दो चीज़ें हैं, ना तो आप एडवर्टाइज करेंगे अपनी प्रोफेशनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा, और ना ही आप कोई और डिजिग्नेशन या एक्सप्रेशन दिखाएंगे अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन योर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, ऑन योर प्रोफेशनल साइन बोर्ड, ऑन योर प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड, ऑन योर प्रोफेशनल लेटर हैट, ठीक है। तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पे आपकी डिजिग्नेशन सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगी, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कुछ और, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के बजाय कुछ और। हाँ, आप डिग्रीज जरूर लिख सकते हैं, डिग्रीज यानी सी ए सी एस और एम बी ए, ऐसी डिग्रीज वगैरह आप लोग जरूर लिख सकते हैं। प्लस इसमें एक राइटअप की गाइडलाइन जरूर आई है कि आप एक राइटअप आज के दिन दे सकते हैं। सो राइटअप अभी मैं बाद में कराती हूँ, सबसे पहले हमारे पास तो दो चीज़ें मना की, एडवर्टाइज नहीं कर सकते और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पर, सिर्फ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पे, पर्सनल डॉक्यूमेंट पर आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने घर का रजिस्ट्री कराता है, अब उस घर की रजिस्ट्री में थोड़ी ना लिखेगा कि मैं अमन कुमार बायर हूँ जो हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर तो ये लिखेगा ना मैं अमन कुमार सन ऑफ दिस एंड दिस, ओके। बट ऑन योर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, ऑन योर लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड एंड साइन बोर्ड्स, यू हैव टू राइट डाउन, इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, यू हैव टू राइट डाउन योर डेजिग्नेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू डोंट हैव एनी अदर डेजिग्नेशन अदर दैन चार्टर्ड अकाउंटेंट एज सच। नाउ आप एडवर्टाइज कर सकते हो, तो एडवर्टाइज करना जनरली परमिसेबल नहीं है, पर आप जितनी बात कहनी जरूरी है उतनी बात कह सकते हैं। यदि आप अपने ऑफिस में स्टाफ रिक्रूट करना चाहते हैं, आजकल कितने सारे बच्चे आर्टिकलशिप के लिए प्लेस ढूंढ रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल आर्टिकलशिप के लिए आप स्टाफ रिक्रूट करना चाहते हैं, आप न्यूज़पेपर में ऐड दीजिए। आप क्लाइंट के बिहाफ पे, आप क्लाइंट के बिहाफ पे स्टाफ को रिक्रूट कर सकते हो, आप बिल्कुल उनका स्टाफ रिक्रूट करने के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह को एक्वायर करने के लिए आप बिल्कुल दीजिए। एंड अगर आप लिक्विडेटर बने हुए हैं अपने पर्टिकुलर क्लाइंट के, तो आप उसकी बिजनेस या प्रॉपर्टी को सेल करने का ऐड भी दे सकते हैं, बट अदरवाइज आपको न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देना है। और इन न्यूज़पेपर में भी अपने बारे में वडे नहीं मारने हैं, अ वेल नोन सीए फर्म हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं। जितनी बात लिखनी जरूरी है उतनी बात आप लिखिए। आप
टीवी फिल्म रेडियो प्रेस सेमिनार, बजट आया, बजट पर एक टॉक शो हो रही है, ठीक है। उस पर्टिकुलर टॉक शो में आपको भी बुलाया, आप बेशक जाइए, अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलिए, बट आप किसी भी हालत में अपने फर्म का कोई जिक्र नहीं करेंगे, आपके क्लाइंट्स की कोई बात नहीं बोलेंगे, आप जो बोलेंगे वो प्रोफेशनल बोलेंगे। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति अगर चल रहा है और आपको बुलाया जाता है, तो आप जाइए पर आप अपनी फर्म का नाम वहाँ पर नहीं बोलिए। इवन अगर होस्ट ने भी ऐसा कुछ आपकी फर्म का नाम बोल दिया, ठीक है, हाँ ये है हमारे हमारे ही शहर इलाहाबाद के रहने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अमन साहब, तो अब ये आ रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति में, और इलाहाबाद में वो पर्टिकुलर जगह पर इनका ऑफिस है और इनकी फर्म का नाम इलाहाबाद में बड़ा ही फेमस है, अमन रमन नमन एंड कंपनी, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो अगर होस्ट ने भी ऐसी कोई बात बोली तो भी दोषी कौन, होस्ट यानी वो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन या वो टॉक शो कंडक्ट करने वाला पर्सन या आप, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब दोषी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट था, ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हो, आप ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हो, जीएसटी पे कोई सेमिनार, जीएसटी पे ट्रेनिंग कोर्सेज लगा सकते हैं, आप अपने स्टाफ को, अपने क्लाइंट्स को बुला सकते हैं, आप दूसरे सीए के स्टाफ को बुला सकते हो, पर दूसरे सीए के क्लाइंट्स को मत बुलाना, है ना। हाँ, दो सीए फर्म्स मिल करके अपने अपने क्लाइंट्स के लिए सबके लिए जॉइंटली सेमिनार्स करें तो बात अलग है। नाउ कभी कभी क्या होता है, हम लोग मैगजीन्स में आर्टिकल्स देते हैं, तो जब आप मैगजीन में आर्टिकल देते हो तो आपको एक छोटा सा फोटोग्राफ, ठीक है, और आप क्या हैं, फोटो आपका छोटा सा और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये बात छप जाती है, पर आपकी फर्म का नाम नहीं जाएगा प्लीज, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपके नाम से एक आर्टिकल आया, फर्म का नाम भी आएगा, सो एवरीवन वुड बी नोइंग कि हाँ भाई इस वाली फर्म में आप पार्टनर है, सो एवरीवेयर देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्म नेम। नाउ अगर प्रेस नोट देना है सक्सेस ऑफ अ कैंडिडेट इन एग्जाम, अमन रमन नमन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसमें एक आर्टिकल था और आर्टिकल जो है पास हो जाता है और उसकी AIR 1 आती है, तो जब आर्टिकल के बारे में एक प्रेस नोट जाता है न्यूज़पेपर के अंदर तो ये भी जाता है कि आर्टिकल ने आर्टिकलशिप की है ARN कंपनी से और इनके प्रिंसिपल मिस्टर अमन थे, सीए अमन थे, तो क्या अमन को दोषी माना जाएगा, नहीं, दैट इज अलाउड, ठीक है। तो आर्टिकल की सक्सेस डिटेल जा सकती है, अमन का नाम, अमन की फर्म का नाम जा सकता है, पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिसिटी नहीं, ये नहीं जाएगा कि सीए अमन जो कि प्रैक्टिस में है और हमारे ही शहर में प्रैक्टिस में है, वो हर साल अपने आर्टिकल्स को इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं कि हर साल उनके आर्टिकल्स कोई ना कोई हायर रैंक लेकर के ही सीए फाइनल के एग्जाम्स पास करते हैं, नो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, आपके इस केस में आपकी फर्म का नाम यानी कि जो जिसके आर्टिकल एग्जाम में पास हुआ है उस सीए का नाम उस सीए की फर्म का नाम जा सकता है। नाउ आप MP MLA के इलेक्शन में खड़े होते हैं, आप कह सकते हैं मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल सकते हैं, बट आप फर्म का नाम वहाँ भी नहीं बोलेंगे जब आप इलेक्शन के टाइम पे भाषण देने के लिए जाते हैं। नाउ अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, जैसे आजकल क्या हो रहा है, आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आजकल इन लोग बहुत बना रहे हैं सीएस को, बड़ी बड़ी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज जो हैं, तो यस प्रोस्पेक्टस अगर उन लोग जारी कर रहे हैं तो आपका नाम एज डायरेक्टर जा सकता है, पर आप कौन सी फर्म से जुड़े हुए हो, आप एसोसिएट्स हो किस फर्म के, ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी, आप इवन बिग फोर्स के भी एफिलेट हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी, कैसे भी, नो फर्म नेम इन द प्रोस्पेक्टस। नाउ साइन बोर्ड, साइन बोर्ड वो ग्लो साइन बोर्ड और चमकने वाले साइन बोर्ड्स नहीं लगाने आपको, बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स नहीं लगाने आपको, और घर पर सिर्फ आपके नाम का साइन बोर्ड लगेगा और फर्म का साइन बोर्ड नहीं लगेगा। नाउ कभी कभी क्या होता है, जैसे ये पर्टिकुलर बॉडी कैसी कैसी हो सकती है, ये कोई रिलीजियस बॉडी भी हो सकती है, अग्रवाल सभा हो सकती है, जैन सभा हो सकती है, आप सीए बन गए, आप उस अग्रवाल सभा के, उस जैन सभा के मेंबर हैं, ये कोई रोटरी क्लब, कोई लॉयंस क्लब, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी भी हो सकती है, ये कोई प्रोफेशनल बॉडी, आप ITAT इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल में भी केसेस लड़ते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, ITAT में जो जो लोग भी, जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स जाते हैं, उन सबकी एक डायरेक्टरी है,
आपका नाम उस डायरेक्टरी में भी आ सकता है, आपका नाम आ सकता है, फोटो आ सकता है, ब्लड ग्रुप्स आ सकते हैं, आपकी हॉबीज आ सकते हैं, आपके आउटसाइड इंटरेस्ट आ सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर एक अग्रवाल सभा है या जैन सभा है, आपके रिलीजन है ना उससे रिलेटेड, उसके अंदर एक अग्रवाल भाई बंधु जिसका एक शॉप है मिठाई का, अगर उसकी मिठाई के शॉप का नाम भी जा रहा है, व्हाट इज द बिजनेस दैट दैट पर्टिकुलर अग्रवाल भाई बंधु डास, तो क्या आपका नहीं जा सकता? यस, आपके लिए भी जो है आपकी फर्म का नाम भी जा सकता है। तो यहाँ पे फर्म का नाम अलाउ कर दिया है, ठीक है। अग्रवाल सभा रोटरी क्लब के मेंबर्स की लिस्ट, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, रेजिडेंशियल सोसाइटीज, इवन प्रोफेशनल बॉडीज के भी मेंबर्स की लिस्ट बिल्कुल जा सकती है। बस आप क्लाइंट का नाम और सर्विसेज नहीं देंगे उसके अंदर। कॉमन लोगो, केवल कॉमन लोगो आप दे सकते हैं, सीए वाला आप इसके अलावा कोई और लोगो यूज नहीं कर सकते। आप फर्म का एस्टेब्लिशमेंट का डेट, आपकी फर्म 1965 की फर्म है, ये आप अपने लेटर हेड्स पर नहीं लिखेंगे, वेबसाइट पे आ सकता था ये वाली चीज। ओके, नाउ डेजिग्नेशन केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर ये पर्टिकुलर क्लॉज कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज करना कहाँ जरूरी है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स विजिटिंग कार्ड पे। पर आप साथ में इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट कुछ नहीं लिख सकते। अब अगर सीए अमन कुमार हैं और सीए अमन कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो क्या ये नाम के साथ साथ बड़ा बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एमपी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, चाहे एमपी छोटा छोटा ही क्यों ना हो, आप केवल डिग्री, केवल पढ़ाई लिखाई लिख सकते हो। तो जहां एमपी लिखोगे वहां बड़ा बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लिखोगे, जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी लिखोगे वहां साथ में एमपी नहीं लिखोगे, जब पार्लियामेंट में जाओगे तो सिर्फ एमपी लिखोगे, बड़ा बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। और जब प्रैक्टिस का काम कर रहे होंगे, अपील के पेपर फाइल करा रहे होंगे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे होंगे, ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे होंगे, तो सिग्नेचर जहाँ करते हैं से 700 के हिसाब से, तो बड़ा बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेंगे, वहाँ एमपी का कोई जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप एडवोकेट हो, बार काउंसिल से परमिशन मिली हुई है, तो आप जब सिविल कोर्ट्स में जाते हो तो क्योंकि वहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं जा सकता है, तो वहाँ आप डेजिग्नेशन एडवोकेट यूज कर सकते हो। ओके, नाउ क्लॉज 8 ने क्या बोला था आपको? आप दोषी हो जाएंगे अगर आप ऑडिटरशिप एक्सेप्ट करते हैं जो आपसे पहले किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास था, जबकि आपने उससे पहले कम्युनिकेट नहीं किया, वो भी राइटिंग में। तो आप बात क्या है, आपको काम एक्सेप्ट करने से पहले आउटगोइंग ऑडिटर से राइटिंग में कम्युनिकेट करना है, और राइटिंग में कम्युनिकेट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट डीओ या बाय हैंड अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि पत्र सामने वाले तक पहुंच गया था। मतलब अगर मान लेते हैं आप अमन के पास काम आ रहा है और लास्ट ईयर काम मिस्टर पी ने किया था, सीएपी जो थे वो लास्ट ईयर के ऑडिटर थे, सॉरी, तो अमन क्या करेंगे, अमन मिस्टर पी को पहले पत्र लिखेंगे काम एक्सेप्ट करने से पहले, एंड दैट पर्टिकुलर लेटर उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर रिसीव होना चाहिए। तो आप सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के थ्रू नहीं भेजेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में तो सिर्फ ये आपके पास एविडेंस होता है कि आपने लेटर भेजा था। अमन के पास बर्डन टू प्रूव है अमन के ऊपर, अमन को प्रूव करना है कि लेटर सच में प्रीवियस ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर पी तक पहुंचा भी था, तो अमन के पास एक्नॉलेजमेंट होना ही होना चाहिए। फोन पे तो बात चलेगी नहीं, बिकॉज राइटिंग की बात है, बिकॉज अमन के पास पॉजिटिव एविडेंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और आउटगोइंग वाला जल्दी से रिप्लाई करेगा। पर अगर आउटगोइंग वाले ने बोला कि अरे तुमको कैसे ऑडिटर बना दिया, अभी तो मेरा टर्म कंप्लीट ही नहीं हुआ, AGM 6 आई ही नहीं है, तुम कैसे ऑडिटर बन गए, तो आप काम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर पुराने वाले ने बोला कि देखो भाई क्लाइंट से मेरी अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस, क्लाइंट से मेरा तय हुआ था 15,000 रुपये वो मुझे देगा फीस के, पर वो मुझे फीस नहीं दे रहा है, तो आप अमन काम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी इस केस में भी और इस केस में भी आप काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यदि यदि पुराने वाले ने ये दो कारण दिए। पर
अगर उसने बोला कि मेरे को इन लोग, हाँ एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, पर अगर पुराने वाले को फीस का पेमेंट नहीं हुआ है पर इसी बीच क्लाइंट से कंपनी हो गई है, तो आप काम एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर कोई बुराई नहीं है। ओके, पर अगर पुराने वाले ने बोला कि देखो ये लोग मुझे केवल इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देता हूँ, तो फिर इनकमिंग ऑडिटर अपना दिमाग लगाएगा। अगर उसको लगता है कि क्लाइंट सिर्फ इसलिए हटा रहा है क्योंकि ये व्यक्ति मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा था, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे रहा था, फिर तो आप काम एक्सेप्ट मत करो। पर अगर आपको लगता है कि पुराने वाले क्लाइंट ने सच में ज्यादती, सॉरी पुराने वाले ऑडिटर ने सच में ज्यादती की है, पुराने वाले ऑडिटर ने बिना वजह, बिना किसी वजह के मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन दी है, नॉट फॉर एनी जस्टिफाइड रीजन, तो फिर ठीक है, फिर तो क्लाइंट के पास वजह है चेंज करने का ऑडिटर को, फिर आप काम एक्सेप्ट कर लीजिए। नाउ अगर डिस्प्यूट चल रहा हो क्लाइंट के बीच में और पुराने वाले के बीच में, पुराने ऑडिटर के बीच में, तो आप काम एक्सेप्ट कर लीजिए। बस आप उस डिस्प्यूट को सेटल कराने की बात सोचिए कैसे कराना है। आप अगर कभी भी क्लाइंट आपके पास आता है कि सर आप मेरा काम कर दीजिए, तो आप उससे पूछिए क्या वो पुराने वाले को बता कर आया है। अगर वो कहता है मैं बता कर आया हूँ, तो भी आप पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट किया करेंगे। अगर वो कहता है मैंने नहीं बताया, तो आप उससे कारण पूछिए आप क्यों ऑडिटर को चेंज कर रहे हैं। अगर वैलिड कारण है तो आप एक्सेप्ट, पहले कम्युनिकेशन करने के बाद एक्सेप्ट कीजिए, और अगर खामोखा में लोग ऑडिटर को चेंज कर रहे हैं, तो आप कहिए नहीं ये बात ठीक नहीं है। मैम वैलिड कारण का मतलब बताओ, क्लाइंट आपके पास आया चेंज करने के लिए, ऑडिटर को आपने कहा क्यों चेंज कर रहे हो, वो कहता है सर मैं लिस्टेड कंपनी हूँ, पुरानी वाली फर्म का 5+5 ईयर 139 सबसेक्शन 224 के हिसाब से खत्म हो चुका है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, 5 साल का ब्रेक चाहिए। गॉट इट, तो वैलिड रीजन है, फिर आप काम एक्सेप्ट कर सकते हो। पर एक्सेप्ट करने से पहले उसको RPAD या बाय हैंड अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट पत्र डालकर पूछना पड़ेगा कि उसको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आउटगोइंग वाले ऑडिटर को। चलिए जी, अब कंपल्सरी कम्युनिकेशन है फॉर ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यूरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कंकरेंट इंटरनल ऑडिट, जहां आपसे पुराना वाला भी चार्टेड अकाउंटेंट था। नाउ इवन अगर आपका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया है, तो भी आपको कम्युनिकेट करना ही करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कम्युनिकेट उस ऑडिटर से करना है जिसने काम सेम कैपेसिटी में किया, यानी इस साल का टैक्स ऑडिटर लास्ट ईयर के टैक्स ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा, इस साल का स्टैचुटरी ऑडिटर लास्ट ईयर के स्टैचुटरी ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा, इस साल का कंकरेंट ऑडिटर लास्ट ईयर के कंकरेंट ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा, इस साल का इंटरनल ऑडिटर लास्ट ईयर के इंटरनल ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा, इस साल की इंटरनल ऑडिटर को लास्ट ईयर के टैक्स ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं करना है, सेम कैपेसिटी वाले से कम्युनिकेट करना है। अगर कम्युनिकेशन जरूरी है, अगर प्रीवियस ऑडिटर पिछले से 1 साल और पहले था, मतलब इस साल टैक्स ऑडिटोरी आपको काम मिलता है, लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट नहीं हुई थी क्योंकि 44AB का टर्नओवर क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हो रहा था, उससे भी पिछले साल टैक्स ऑडिट हुई थी, तो जिस जो अब से पहले जब भी टैक्स ऑडिट हुई थी उससे आप कम्युनिकेट कीजिएगा। पर अगर पुराने वाले ऑडिटर की डेथ हो जाती है तो कैसे कम्युनिकेट करोगे भाई, तो अगर पुराने ऑडिटर की डेथ हो जाती है तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बस आपके पास ही एविडेंस होना चाहिए कि यस उसका डेथ हुआ, ये बात पक्का होनी चाहिए। चलो जी, अब अगर टाइट टाइम शेड्यूल है, आपको फटाफट से काम खत्म करना है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की डेट आ चुकी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर सकते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, आप काम स्टार्ट कर दो, ठीक है, आप पहले लेटर भेजो, लेटर भेजो आउटगोइंग को, और साथ में काम स्टार्ट कर दो, पर क्लाइंट को बोल दो कि देखो अगर सामने पुराने वाले ने कोई भी ऑब्जेक्शन किया तो आप ये मान लीजिएगा कि मैंने काम स्टार्ट नहीं किया था, यानी माई एक्सेप्टेंस इज सब्जेक्टेड टू द रिप्लाई फ्रॉम द आउटगोइंग ऑडिटर, दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल एक्सेप्टेंस। हाँ क्योंकि जल्दीबाजी तो मैं काम करना चालू कर रहा हूँ, अरे हफ्ते भर में तो कहीं से भी जवाब आ ही जाएगा। चलिए जी, नाउ क्लॉज नंबर 9, क्लॉज नंबर 9 इज बेसिकली आपने एक्सेप्ट कर लिया अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, पर आपने कंपनी से एसर्टेन नहीं किया कि उन लोगों ने सारे सेक्शंस अपॉइंटमेंट वाले जो हैं वो सारे अपॉइंटमेंट वाले सेक्शंस को फुलफिल किया है या नहीं किया है। मतलब
अगर सेक्शन 139 का नॉन कंप्लायंस हुआ और आपने काम एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप दोषी हो जाएंगे. ओके नाउ जैसे अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना था, आप कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना था, तो बोर्ड रेजोल्यूशन आप चेक करो, आप पता लगाओ कि सच में आपका अपॉइंटमेंट वैलिड है नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉज नंबर 9. क्लॉज नंबर 9 इज अबाउट कंपनी लॉ के फॉर्मेलिटीज को चेक करना. नाउ क्लॉज नंबर 10 कहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस गिल्टी हो जाएगा अगर वो परसेंटेज फीस या कंटिंजेंट फीस चार्ज करता है एक्सेप्ट इन पॉसिबल केसेस. परसेंटेज फीस, आपका एक क्लाइंट आपके पास आता है और आपसे पूछता है आप उससे क्या पैसे चार्ज करेंगे, आप कहते हैं कुछ नहीं, जितना तुम्हारा प्रॉफिट होगा ना उसका 20% चार्ज कर लूँगा. क्यों भाई, एक प्रोफेशनल ऐसे तो कभी भी फीस नहीं बताता है. इसका मतलब अगर क्या लॉस होगा तो क्या आप उसको पैसे दीजिएगा, तो नो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. आप काम करने का ऑडिट करने का पैसा मांग रहे हैं, आप उसको एक अमाउंट बताइए, आप परसेंटेज चार्ज मत कीजिए. यू आर नॉट एनी काइंड ऑफ कमीशन एजेंट, नहीं तो दिमाग यही पड़ा रहेगा कैसे ऐसी ऐसी आइटम्स एडजस्टमेंट बताऊँ जिससे कि प्रॉफिट बढ़े, राइट? और ना ही कंटिंजेंट. क्लाइंट आया इनकम टैक्स का केस लेकर, ITAT में केस चल रहा था 2 करोड़ के पेनाल्टी के लिए, आपने कहा यदि केस जीत जाएंगे तो फीस लूंगा, नहीं केस जीतेंगे तो फीस नहीं लूंगा. नहीं, ये भी कोई तरीका नहीं है, आप अपनी मेहनत का मेहनताना लीजिए, आपको उसके नफे नुकसान से कोई मतलब नहीं है. कंटिंजेंट फीस नहीं होनी चाहिए, आप उसको पहले बताइए आप कितना पैसा लीजिएगा, राइट? आप कुछ गारंटी नहीं कर रहे हैं उसको कि तुम केस जीत ही जाओगे, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं आप उसको ना. अब जब आपने कहा एक्सेप्ट इन पॉसिबल केसेस, तो सीए कांट चार्ज परसेंटेज फीस और फीस ऑन कंटिंजेंट बेसिस. हाउएवर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कोऑपरेटिव, सी फॉर कोऑपरेटिव, CRV में बैठकर MCD ने फंड इकट्ठा किया परसेंटेज बेसिस पर, CRV कोई गाड़ी होती होगी, MCD रहने दो मैं नहीं बोल रही फुल फॉर्म. MCD बेसिकली होता है आपका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली होती है, CRV इज अ गाड़ी. तो CRV में थोड़ा ऐसा लगेगा कि MCD के जो एम्प्लॉयज है ना वो ऐसे पैसा इकट्ठा करते हैं, तो बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा मेरे लिए, है ना? तो इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, CRV में बैठकर MCD के लोगों ने फंड इकट्ठा किया परसेंटेज बेसिस पर, ठीक है? तो प्लीज ये अलाउड है, ये लोग परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज कर सकते हैं. सी फॉर अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर हो, आर फॉर रिसीवर या लिक्विडेटर हो, वी फॉर वैल्यूअर हो, उसके बाद MCD, एम फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज, MCS जो इन्होंने लिखा है, सी फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कम इन एग्जाम, एंड डी फॉर डेट रिकवरी सर्विसेज. आपको बैंक वाले ने बोला कि ठीक है आप हमारी डेट को रियलाइज करा दो, NPS को रियलाइज करा दो, परसेंटेज इंडस्ट्री में ऐसे परसेंटेजेस चलती हैं. फंड रेजिंग सर्विसेज जैसे डोनेशन वगैरह को रेज करने का काम हो गया, यू नो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे उन लोगों को ना सी अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए फंड्स रेज करने पड़ते हैं, तो जनरली दे से दे कम टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उन लोग बोलते हैं कि भाई देखिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप हमारे लिए फंड्स, हमारे लिए डोनेशन रेज करा दीजिए, हम आपको एक परसेंटेज दे देंगे, पर अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी रीच बहुत बड़े बड़े लोगों तक है, तो परसेंटेज, इन सब में परसेंटेज अलाउड होएगा, ठीक है? सबसे पहले जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आइएगा आप ज़रूर देखिएगा कि परसेंटेज कहाँ पे लेने की बात हो रही है, और एक्सपेक्टेड रिलीफ का मतलब कंटिंजेंट. नाउ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस गिल्टी हो जाएगा अगर वो किसी बिजनेस या ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ सीए, यानी अगर वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 जैसे काम के अलावा कोई और काम कर रहा है. आप बताइए, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस भी हैं, आपने साथ में LG का शोरूम भी ले लिया, आपने साथ में हिंदुस्तान लीवर का एजेंसी भी ले लिया, आई थिंक बहुत सारे काम करोगे, तो अपने दूसरे वाले बिजनेस को यूज करोगे सीए की प्रैक्टिस के लिए, और सीए की प्रैक्टिस अच्छे से कर भी नहीं पाओगे, उतना क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट्स पे मेंटेन भी नहीं कर पाओगे. सो दिस इज रॉन्ग, यू शुडंट डू दैट. ओके, तो बेसिकली आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है तो अपना ध्यान सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस के टुवर्ड्स ही आप कमिटेड रखिए, आप इधर उधर के और काम मत कीजिए. हाँ,
अगर काउंसिल आपको एंगेज करने के लिए कह देती है दूसरे काम तो आप कर सकते हो, पर हाँ आप डायरेक्टर बन सकते हो, डायरेक्टर सिंपलिसिटर, एमडी या डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर एमडी नहीं बन सकते, वो तो टोटली पूरा दिन बैठ करके ऑफिस का काम देखेगा कंपनी का। तो आप प्रमोटर सिग्नेटरी तो बन सकते हो, पर आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो इसके अंदर जो आपके पास में रेगुलेशन, ये तो आप पढ़ चुके होते हो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में, जनरल परमिशन। जनरल परमिशन, नाउ व्हाट इज जनरल परमिशन? आपको काउंसिल से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीए हैं, आपके पास सीओपी है, आप इसमें से सब काम कर सकते हो। पर प्लीज माइंड इट, जब आप सब काम कर सकते हो का बात कर रहे हो तो इसके अंदर बात आएगी आप क्या क्या काम कर सी। आपको जनरल जनरल परमिशन आपको याद कर लेनी है, जनरल परमिशन की बातें अगर याद रह गई तो इसके अलावा जितने काम है, जितने काम है सबके लिए आपको स्पेसिफिक और प्रायर परमिशन फ्रॉम काउंसिल लेना पड़ेगा। तो रेगुलेशन 190A ने हमको बोला कि हम जनरल परमिशन है इन सब कामों का। आपके पास सीओपी है, आप सीए फॉर्म में जॉब कर सकते हो, प्राइवेट ट्यूटरशिप बहुत छोटे स्केल पे पढ़ा सकते हो, जैसे होम ट्यूशन सॉर्ट ऑफ थिंग, आप किताबें लिख सकते हो, आप एलआईसी एजेंसी, पर सीए का सीओपी लेने के बाद आप उस एजेंसी में नया बिजनेस नहीं लिखोगे। जो आपने पुरानी एलआईसी पॉलिसीज कराई होंगी उनका कमीशन आपको रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा, दैट इज अलाउड। आप किसी भी क्लास में अपियर हो सकते हो, अभी तो इंस्टीट्यूट ने ये भी बोल दिया है कि अगर आप सीएस भी करते हो, आपके पास प्रैक्टिस, आप सीए बन जाते हो, आप सीएस भी करना चाहते हो सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद आप कर सकते हो, एमपी एमएलए बन सकते हो किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, जैसे ऑनरेरी बेसिस पे जाके उनका प्रबंध देखना, उनका मैनेजमेंट देखना, ऐसा काम कर सकते हो। आप कुछ नोटिंग का काम कर सकते हो, पेपर्स को अटेस्टेशन का काम कर सकते हो, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, और यहाँ इंस्टीट्यूट का मतलब प्लीज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मतलब केवल आईसीआई है। वहाँ पे आप पार्ट टाइम पढ़ा सकते हो, पेपर सेट कर सकते हो, रिकवरी कंसल्टेशन दे सकते हो एनपीएस वगैरह के लिए, इंश्योरेंस ब्रोकर बन सकते हो। पर एजेंसी, देखो ब्रोकर इज अ डिफरेंट पर्सन, इंश्योरेंस ब्रोकर क्या समझाया था, सब बताया हुआ है। इंश्योरेंस ब्रोकर जो बहुत सारी कंपनीज के बारे में अपने क्लाइंट को एडवाइस देता है कि उस कौन सी वाली इंश्योरेंस पॉलिसी सही रहेगी, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी का एजेंट नहीं है, जहाँ पे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है। नाउ आप एग्रीकल्चरल लैंड, आप सीए इन प्रैक्टिस हो, आपके पास सीओपी है, शहर में आप प्रैक्टिस करते हो, गांव में जमीन पड़ी है, वहाँ पे आप बंधुआ मजदूरों से, वहाँ पे सॉरी मतलब आप लेबर के थ्रू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करा रहे हैं, दैट इज अलाउड। नाउ पर कुछ चीज़ों के लिए प्रायर और स्पेसिफिक परमिशन ही चाहिए, ठीक है। लेक्चरर, एक तो ये तुम्हारा बड़ा इंटरेस्ट का चीज़ होता है, हिंदू कॉलेज में लेक्चरारशिप लग गई, इसके देखो जनरल परमिशन के अलावा जितने थे सब में स्पेसिफिक परमिशन, अगर उन लोग अलाउ कर देंगे तो आप ये काम करोगे, नहीं अलाउ करेंगे तो आप या तो सीओपी सरेंडर करो या ये वाला काम मत करो, ऐसे करना पड़ेगा आपको काम। अब इसमें ट्यूटरशिप के लिए जो एक सबसे ज्यादा अच्छा, एडिटरशिप इंस्टीट्यूट के जर्नल का तो कर सकते हो, पर अगर एडिटरशिप आप इंडिया टुडे का करने लग गए तो फिर आपको स्पेसिफिक परमिशन चाहिए, इंस्टीट्यूट परमिट करेगा तो सीओपी के साथ ही काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ना इसमें जो एक बात आई है, आप कर सकते हो प्रैक्टिस का काम अगर आप टोटल बहुत सारी जगह पढ़ा रहे हो, आप लेक्चरर भी यूनिवर्सिटी में जिसके लिए स्पेसिफिक परमिशन चाहिए, किसी कॉलेज में हो, कुछ कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा रहे हो, प्राइवेट ट्यूटरशिप भी दे रहे हो, तो अगर आपकी डायरेक्ट टीचिंग आवर्स मतलब जितने घंटे आप पढ़ा रहे हो एक हफ्ते में वो 25 घंटे से ज़्यादा नहीं है तो आपके पास सीओपी हो सकता है, अदरवाइज आपको अपना सीओपी सरेंडर कराना पड़ेगा। इसका मतलब तो आप फुल फ्लैश दिया कि 25 घंटे एक हफ्ते में उससे भी ज़्यादा आप पढ़ा रहे हैं, फिर तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो आप टोटली फुल फ्लैश कोचिंग एक्टिविटीज़ या पढ़ाने में ही इन्वॉल्व हैं। ना इसके बाद में इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको ना एमसीक्यू से ही कराऊंगी सी, ये सब आपने पहले डिटेल में पढ़ रखा है, मैंने तो 8 8 क्लास लगाई है इस वाले पर्टिकुलर के केस स्टडीज एंड ऑल पे, ठीक है, जिसमें हमने पास अटेम्प्ट के सारे कर लिए थे, आपने इसके क्वेश्चंस कर रखे हैं तो सिर्फ एमसीक्यू एक बार लास्ट में क्विकली बढ़िया वाले कर लेंगे इकट्ठा सब जम्बल अप करके कि कहाँ से आया है। क्लॉज नंबर 12 किसका है? साइनिंग का। आपके पास कोई ऑडिट का काम आता है आप उस पर साइनिंग करने के लिए सिर्फ खुद कर सकते हैं, अपने सीए पार्टनर से करा सकते हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स को साइन आपके आपका सीए पार्टनर करेगा, उसके अलावा किसी से कराया तो आप दोषी, आपका आर्टिकल साइन नहीं कर सकता। हाँ, आर्टिकल साइन कर सकते हैं, रूटीन बिल्स के ऊपर साइन कर सकते हैं, रूटीन कोरेस्पॉन्डेंस के ऊपर साइन कर सकते हैं, पर ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आपको आपको जिस पर साइन करना है, जिस पर आपको ओपिनियन देनी है और ऑडिट रिपोर्ट, उस पर साइन सिर्फ आप करेंगे। यही बात ऐसे 700 भी बोलता है, ऐसे 700 भी तो ये कहते हैं सिग्नेचर स्लॉट में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस साइन करेगा और अपनी डेजिग्नेशन लिखेगा किस कैपेसिटी में वो साइन कर रहा है। यस, नाउ पार्ट नंबर टू इज ऑलवेज ऑन सर्विस वाला बंदा। पार्ट टू में सिर्फ दो क्लॉजेज है, सिर्फ दो क्लॉजेज। अभी मैं आपको याद कराने का तरीका भी सामने रख दूंगी। सीए इन सर्विस, आप जॉब कर रहे हो, आप एचसीएल इंफोसिस में जॉब कर रहे हो, आप एचसीएल इंफोसिस में या तो आपने किसी किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पर आप जॉब कर रहे हो, पर आप जॉब कर रहे हो एज एम्प्लॉय भी, ना तो आपको किसी से पैसा खाना है ना किसी को पैसा खिलाना है। मतलब अगर आप अपने सैलरी में से किसी को शेयर दे रहे हो, इसका मतलब आपने, हो सकता है आपको प्रमोशन मिला हो और आपने अपनी सैलरी में किसी को शेयर दिया, मतलब आपको प्रमोशन आपकी काबिलियत के बेसिस पर तो नहीं मिला, या आप कहीं पर जॉब करते हो, आप जहाँ पर जॉब करते हो, से फॉर एग्जांपल आप एचसीएल में जॉब करते हो, एचसीएल के कस्टमर को कुछ बेनिफिट दिलाते हो, अब वो जो एचसीएल का कस्टमर है, क्योंकि आप वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर हो, वो आपके पास कुछ पैसे लेकर के आ जाता है, तो आपको किसी से पैसे एक्सेप्ट नहीं करना, अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉस के कस्टमर से, ब्रोकर से, एजेंट से, आप अपने बॉस का सारा इन्वेस्टमेंट का काम एक शेयर ब्रोकर को दिलाते हैं और उस शेयर ब्रोकर से आप कमीशन खाते हैं। नो, दिस इज नॉट अलाउड। सो पैसा पे और रिसीव सर्विस में भी आपको नहीं करना है। नाउ सीए जनरली इज वेरी सिंपल, आप एफसीए नहीं थे, एफसीए कब बनते हैं, 5 साल या तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस या 5 साल एसोसिएट है, जॉब की हुई है, इंस्टीट्यूट को अप्लाई किया, जॉब की हुई थी उन वाले पर्टिकुलर सेक्टर्स में, वो अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑल में, एंड देन उसके बाद में उन लोग ने आपको एफसीए बनाया। पर आप एफसीए नहीं हो, फिर भी किसी के आगे बोला, आपने विजिटिंग कार्ड पे छापा अपने आपको एफसीए, दिस इज रॉन्ग। वेरी सिंपल क्लॉज, इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट की अथॉरिटीज ने, काउंसिल ने, डायरेक्टर डिसिप्लिन ने, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने, अपेलेट ट्रिब्यूनल, अपेलेट अथॉरिटी ने, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, QRB, जो हम क्वालिटी रिव्यूज वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं, उन लोग ने कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी और आपने कहा रहने देते हैं, हम नहीं बताते, आप उनकी रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे आप सीए इन प्रैक्टिस है, चाहे आप सर्विस में है, चाहे आप कैसे भी काम करें, आप दोषी। नाउ सीए गिल्टी हो जाएगा, देखिए क्लॉज नंबर 6 में मुझे दूसरे सीए से काम मांगना अलाउ किया है, क्लॉज नंबर 6 में मुझे टेंडर्स को भरना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली टेंडर नोटिसेस निकालते हैं, येस यू कैन अप्लाई टू टेंडर्स, अलाउ किया है, बट अगर आपने टेंडर्स में, और इवन जब आप राइटअप देते हो, तो राइटअप में आपने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन बोली, जो आप राइटअप क्लॉज नंबर 7 के अंदर दे रहे थे। सो अब मैं आपको एक बार राइटअप के बारे में बताना चाहूँगी, वॉट इज एग्जैक्टली राइटअप। ओके, नाउ तो अगर आपने क्लॉज नंबर 6 या क्लॉज नंबर 7 में किसी से भी काम मांगते वक्त या आपने राइटअप में झूठी बातें बोली, आपकी फर्म में 3 पार्टनर हैं पर आपने लिखा मेरे यहाँ 10 पार्टनर हैं, या आपकी फर्म का 5 साल का एक्सपीरियंस है पर आपने दूसरे सीए को बोला कि मेरी फर्म को 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप दोषी हो जाएंगे, क्योंकि आप काम मांगने के लिए झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ ये जो गाइडलाइंस आई मेंबर्स के लिए, उन्होंने कहा आजकल मेंबर्स एक राइटअप लिख सकते हैं, एक आर्टिकल जैसा लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होगा। कैसे? अब आप उसको ईमेल्स के द्वारा भी सर्कुलेट कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, वेबसाइट में छाप सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप ये लिखेंगे आपका नाम, मेंबरशिप नंबर, एज, कब एसी एफसीए बने, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी लैंग्वेज, वेबसाइट सीए का लोगो, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एम्प्लॉय की डिटेल्स और आप किस प्रकार की सर्विसेज देते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये, जब 2008 में राइटअप की गाइडलाइंस आई, उनसे पहले सीए सीए कहते थे हमारे बारे में पता ही कैसे चलेगा। सो नाउ दिस राइटअप इज अलाउड, बट इस राइटअप में आप कोई भी बात आलतू फालतू की नहीं करेंगे, राइटअप झूठा नहीं होना चाहिए, झूठा राइटअप होगा तो आपने अभी देखा आप थर्ड नंबर, थर्ड पार्ट, फर्स्ट शेड्यूल के थर्ड पार्ट के क्लॉज नंबर 3 में दोषी हो गए,
डिसरेप्यूट में नहीं, आप राइटअप में ये नहीं लिखेंगे कि हम तो कोई भी काम करा देते हैं कहीं भी किसी सरकारी ऑफिस के अंदर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. नो, इट शुड नॉट ब्रिंग द प्रोफेशन इन टू डिसरेप्यूट, राइट? मोर ओवर, आप किसी दूसरे सीए के ऊपर सुपीरियॉरिटी, मैं ही सबसे अच्छा सीए हूँ, ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे. कोई इंडिसेंट बात नहीं बोलेंगे. कोई टेस्टिमोनियल नहीं कि कोई मंत्री जी कह रहे हैं हाँ अमन कुमारी सबसे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है. कोई ऐसे एंडोर्समेंट नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे किसी को धोखा देने की बात लगे. और प्लीज़ ये राइटअप मैक्सिमम फॉन्ट साइज 14 का होना चाहिए, 14 से ऊपर नहीं होना चाहिए. इसमें कोई अचीवमेंट्स नहीं होंगे और आपका मेंबरशिप नंबर और फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी तौर पर होगा. अगर ये गाइडलाइंस टूटी, राइटअप की गाइडलाइंस टूटी, फिर आप राइटअप को सर्कुलेट कर सकते हो. अंडर क्लॉज नंबर 7 राइटअप इज अलाउड. अगर ये गाइडलाइंस टूटी तो आप क्लॉज नंबर 7 के अंतर्गत दोषी हो जाएंगे. प्लस इसके साथ साथ अगर अपने राइटअप में कोई बात झूठी बोली तो आप उधर भी दोषी हो जाएंगे क्लॉज नंबर 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में, और आप इधर क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में भी दोषी हो जाएंगे. ठीक है, तो ये झूठी बातें बोलने के ऊपर है. नाउ पार्ट नंबर 4 इज अबाउट अदर मिसकंडक्ट. अदर का मतलब मे नॉट बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल फील्ड. जो कुछ बातें अब तक प्रोफेशनल में नहीं आई वो अगर आप उसके अलावा किसी वजह से दोषी होते हैं तो आप अदर्स में आ जाएंगे. देखिए अदर्स का ना शॉर्ट नोट्स भी एग्जाम्स में आए हुए हैं पहले कभी, ठीक है, ओल्ड सिलेबस में तो आए हुए हैं 2-3 बार. सो बेसिकली प्लीज, नहीं न्यू के लिए तो अभी क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं सच, बट स्टिल देखिए एम सी क्यूज आने के बाद से वैसे भी एम सी क्यूज केस स्टडीज बहुत सारी आ जाती हैं, तो ये शॉर्ट नोट आने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, बट स्टिल यू शुड डू दैट. अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, वो गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट होगा. इफ इज हाई गिल्टी बाई एनी सिविल और क्रिमिनल कोड फॉर एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months. कोई भी उसने ऐसा गुनाह किया जिससे कि उसकी सजा, किसी भी केस में उसने कोई एक चेक इशू किया था, किसी को भी चेक इशू किया था, नॉट नेसेसरीली अपने आर्टिकल्स को या फिर किसी क्लाइंट की बात नहीं कर रहा है, किसी को भी एक चेक इशू किया था, रेंट पर रहता था, लैंडलॉर्ड को एक चेक इशू किया, चेक डिसऑनर हो गया, ये भी तो एक ऑफेंस है. या आर्टिकल से कोई पर्सनल काम कराया तो डिसरेप्यूट की बात हुई. कैसे? इंस्टीट्यूट के नाम पर अगर डिसरेप्यूट हुआ. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आता है कि उसने यूनिवर्सिटी का पेपर लीक कराया. अगर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आया, यूनिवर्सिटी का पेपर लीक कराया, तो कहीं ना कहीं ICI के ऊपर डिसरप्यूट आएगा. तो नहीं, अगर ऐसा कुछ भी लगता है, वेदर और नॉट रिलेटेड टू देयर प्रोफेशनल फील्ड, कुछ भी बात ऐसी लगती है, तो इंस्टीट्यूट अदर मिसकंडक्ट के लिए केस चला सकता है. अब देखिए इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक के तो आ जाते हैं इधर, और सेकेंड शेड्यूल के अंतर्गत आपके पास में इम्प्रिजनमेंट्स आ जाते हैं जो 6 महीने से ज़्यादा वाले होते हैं, वो उधर आ जाते हैं सेकेंड शेड्यूल में. सो अदर मिसकंडक्ट्स आर लाइक, जहाँ पर भी सीए को किसी ऐसे गुनाह के लिए दोषी पाया गया जिसका सज़ा अप टू सिक्स मंथ्स है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 में जाएगा या डिसरेप्यूट है. और अगर उसका गुनाह का सज़ा 6 महीने से अधिक है तो वो चला जाएगा आपके पास में सेकंड वाले शेड्यूल के अंतर्गत, भले ही उनके प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड घर पर नहीं हो. ठीक है, तो ये वाले इधर आ जाते हैं. अब सेकंड शेड्यूल के गुनाह ज़्यादा, जिसमें सख्त सज़ा मिलेगी, क्लॉज नंबर 1, अगर सीए ने डिस्क्लोज किया अपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट में कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, हमारा SA 200 कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, क्वालिटी कंट्रोल भी वाली बात कहता है. बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, एक सेमिनार हो रही थी, उस सेमिनार में अपने क्लाइंट की कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें सबके सामने बोल दी, उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा सबके सामने बोल दिया, तो वो दोषी हो जाएगा क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल के अंतर्गत. पर वो ऐसा कर सकता है इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और परमिटेड बाय क्लाइंट. रिक्वायर्ड बाय लॉ, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 टू 15 में फ्रॉड का रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट यू कैन डू बिकॉज दैट इज रिटन इन लॉ, करेक्ट? नाउ
क्या आप अपना काम खत्म करने के बाद क्लाइंट की बातें किसी को बोल सकते हैं? आप कभी नहीं बोल सकते, नाइदर विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेजेंट क्लाइंट्स नॉर विद रिस्पेक्ट टू योर पास्ट क्लाइंट्स. ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑलवेज देयर ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. हमेशा आपके ऊपर ये रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लगेगा ही लगेगा. आपने इसको तोड़ा तो यहाँ पर दोषी हो जाएंगे ना. बट ये वाले के केस में आप नहीं होंगे. ड्यूटी इन रिलेशन टू अनलॉफुल एक्ट्स डन बाय हिज क्लाइंट. न तो CA को इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अपने क्लाइंट के टैक्स फ्रॉड्स बताना है, ना ही CA को अपने क्लाइंट को टैक्स फ्रॉड से बचाना है. पर CA को अपने क्लाइंट को ये समझाना है कि यदि उसने टैक्स फ्रॉड्स किए हुए हैं और उसने टैक्स अथॉरिटीज को नहीं बताया तो उसको जेल जाना है. जब हम क्लाइंट को ये बात बोलते हैं कि प्लीज़ क्लाइंट, अगर आप कोई टैक्स फ्रॉड्स कर रहे हो तो आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के आगे डिस्क्लोज कर दीजिए, मतलब अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज इनकम है तो वो आप डिस्क्लोज कर दीजिए, तो उस केस में अगर क्लाइंट मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर क्लाइंट नहीं मानता है और आपको पता चले क्लाइंट के फ्रॉड्स जो उसने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ किए थे लास्ट ईयर, अगर आप नहीं थे उनके CA तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, आपने समझाया, पर आप इस साल का काम कर सकते हैं. अगर लास्ट ईयर आप ही ने उनको रिप्रेजेंट किया था, आपने उनका टैक्स रिटर्न भी भरा था और आपको पता चलता है इस साल के उन लोग ने लास्ट ईयर कोई अनडिस्क्लोज इनकम रखी हुई थी, तो आप उनके रिटर्न से, उनके काम से खुद को डिसएसोसिएट कर लीजिए और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को सिर्फ इतनी सी खबर भर दे दीजिए कि हमने उनसे खुद को क्लाइंट से खुद को डिसएसोसिएट कर लिया है. बट आप एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ द फ्रॉड्स नहीं बना सकते हैं कभी भी. बट अगर आपको फ्रॉड पता चले जो इस साल क्लाइंट कर रहा है, तो या तो क्लाइंट का सारा काम छोड़ दो, फिर आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, या आप उनका झूठा रिटर्न तैयार मत करो, बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट तो आप क्वालिफाई कर ही कर दोगे. ओके नाउ सो दिस बिकम्स योर गाइडेंस नोट कि क्या अगर मान लो आपको फ्रॉड पता चलता है तो ड्यूटी क्या है आपकी इनकम टैक्स फ्रॉड्स के बारे में. Now, अगर आप कभी भी अपने अपनी फर्म नेम में एक रिपोर्ट देते हो जबकि या तो आपने काम नहीं किया या आपके पार्टनर ने काम नहीं किया, आपके एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, या जॉइंट ऑडिट्स में दूसरे CA ने काम नहीं किया, या रिटेनरशिप बेसिस पे भी आप दूसरे CA से काम करा सकते थे, बट आपने काम नहीं किया फिर भी अपने रिपोर्ट पे ठप्पा लगा दिया बिना काम किए, तो आप दोषी हो जाएंगे अंडर क्लॉज नंबर 2. क्लॉज नंबर 3 जो है ये बेसिकली SAE 3400. अगर आप फ्यूचर फोरकास्ट के ऊपर किसी भी प्रकार से उस फोरकास्ट को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रोजेक्शंस लगाई जा रही है, आप प्रोजेक्शंस को प्रोजेक्शंस के ऊपर एक रिपोर्ट दे रहे हो एग्जामिनेशन ऑफ PF, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की तरह से SAE के अनुसार, तो आपको लिखना पड़ेगा मैंने वाउचिंग नहीं किया, क्योंकि ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर को कोई पक्का नहीं कर सकता. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप दोषी हो जाओगे. दैट मीन्स ये क्लॉज तब लगेगा, देखिए आप एस्टिमेट्स के ऊपर रिपोर्ट दे सकते हो, आप प्रोजेक्शंस के ऊपर रिपोर्ट दे सकते हो, हाउएवर इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग अ रिपोर्ट ऑन एस्टिमेट्स ऑन प्रोजेक्शंस इन सच अ मैनर विच मे लीड टू द बिलीव दैट यू हैव वाउच्ड फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, तो वाउचिंग तो आप कर ही नहीं सकते थे. तो अगर ऐसा अपीयर हो रहा है पढ़ने वाले को कि आपने वाउचिंग किए तो आप दोषी हो, पर अगर आप ऐसे 3400 के हिसाब से काम करते हो तो आप दोषी नहीं होंगे क्लॉज नंबर 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में. क्लॉज नंबर 4 ऑफ पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल का कहता है, अगर आपने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करी किसी भी बिजनेस या एंटरप्राइज में जिसमें आपका, आपकी फर्म या आपके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंसर्न के एम्प्लॉय हो, आपके पास COP है, तो आप एम्प्लॉय का फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन नहीं कर सकते. आप कॉलेज में लेक्चरर हो तो आप या आपकी फर्म कॉलेज का ऑडिटरशिप नहीं कर सकती है. आप लिक्विडेटर हो तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते. आप एम्प्लॉयर ट्रस्टी हो ट्रस्ट के तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते. आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हो तो जिस एंटरप्राइज के या जिस एंटरप्राइज का इंटरनल ऑडिट कर रहे हो उसके स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कर ही नहीं सकते. ठीक है, यानी ये क्लॉज हर उस जगह लगेगी जहाँ पे आपको क्या मेंटेन करना है, इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है, क्योंकि दिस क्लॉज हैज बीन मेड टू प्रोटेक्ट योर इंडिपेंडेंस. आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए.
कोई भी बिजनेस या एंटरप्राइज है, इवन अगर कोई एक पार्टनरशिप फर्म भी है, उस पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हैं, तो आप अपने खुद के पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट नहीं कर सकते। इवन अगर आपके रिलेटिव का कहीं पर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, आपका रिलेटिव पार्टनर है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आपके रिलेटिव का, आपका रिलेटिव 23% के लिए पार्टनर है, तो आप उस रिलेटिव की फर्म का भी ऑडिट नहीं कर सकते। अब पता है कंपनी के लिए ना आजकल ये चीज़ें बड़ी सिंपल हो गई हैं, बिकॉज कंपनी के लिए सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हम लोग को सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में दी हुई है। तो अगर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में आप डिस्क्वालीफाइड थे, फिर भी आपने ऑडिट कर लिया, तो आप क्लॉज 9 ऑफ पार्ट 1 में चले जाओगे कि बिना कंपनीज एक्ट की फॉर्मेलिटीज पूरी हुए, कंपनीज एक्ट में जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रिस्क्राइब चीज़ें हैं, उनको तोड़ के आप ऑडिटर बन गए। सो आई गेस कंपनी वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में रियलिटी के लिए बहुत लिमिटेड है। नो HUF के मेंबर्स वगैरह, जस्ट सीए के स्पाउस, सीए के पापा, बेटा, बेटी, दैट्स इट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 कहता है। नाउ क्लॉज नंबर 5, 6, 7 और 8 हम लोग सब इकट्ठी करते थे। कैसे पढ़ते थे हम? क्लॉज नंबर 5, 6, 7, 8 में एक निमोनिक टाइप का बना लिया करते थे, FMG इन सेपरेट बैंकिंग अकाउंट। आई गेस मैंने आपके लिए लिखा भी है, FMG इन सेपरेट बैंकिंग अकाउंट, F फॉर फैक्ट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई फैक्ट पता है, ओके। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक चार्ट FMG इन सेपरेट बैंकिंग अकाउंट, सो दिस इज बेसिकली योर सारा का सारा जो हम याद करने की बात करते थे। तो याद करने की बात हम कैसे करते थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा क्लासेस में हमने कैसे किया था। प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव सिर्फ पार्टनरशिप में होगा, तो ये मेरा फर्स्ट शेड्यूल, और फर्स्ट शेड्यूल का क्या चल रहा है, फर्स्ट पार्ट चल रहा है जो सीएन प्रैक्टिस पे लगता है। प्रैक्टिस फर्स्ट अंग्रेजी का वर्ड, फर्स्ट क्लॉज पे, सेकेंड वर्ड रिसीव, थर्ड क्लॉज पार्टनरशिप, फोर्थ। सो प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव सिर्फ पार्टनरशिप में होगा। फिर फिफ्थ नंबर क्या आया, काम सिक्योर करने के लिए सॉलिसिट या एडवर्टाइज मत करना। फिर क्या आया, पुराने को कम्युनिकेट, 8 कम्युनिकेट कंपनीज एक्ट 9 के अनुसार करना। फिर टेंथ अंग्रेजी का वर्ड क्या आया, परसेंटेज फीस लेकर अनदर बिजनेस, 11 साइनिंग बना है। सो प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव सिर्फ पार्टनरशिप में होगा, सॉलिसिट या दिस। फिर आपने कैसे याद किया था, पार्ट टू है सर्विस के लिए, तो सर्विस में भी पे या रिसीव मत करो, ठीक है, कमीशन पे या रिसीव मत करो। तो फर्स्ट क्लॉज एंड सेकेंड क्लॉज, एंड थर्ड वाले पार्ट में क्या चीज जाती थी, अपने आपको गलत फैलो बोल कर, दिस इज योर पार्ट नंबर 3, दिस इज योर पार्ट नंबर 3, ठीक है, अपने आपको गलत फैलो बोलकर ICI को नहीं बता रहे कोई बात, मतलब उन लोग बार बार इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, और दूसरों से फॉल्स मत बोलो, मतलब 3 क्लॉजेस थी पार्ट 3 में, आपने आपको गलत फैलो दिखाया, ICI को बातें नहीं बताई, या दूसरों से फॉल्स बोला टेंडर्स के केस में, या राइट अप्स के केस में, या CAC काम मांगने के केस में। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 4th क्या हो जाता था आपके पास, पार्ट नंबर 4th वाज ऑल अबाउट दैट, पार्ट नंबर 4th अदर मिसकंडक्ट का। अब सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 1, पार्ट वन का फर्स्ट क्लॉज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, पार्ट टू सर्टिफाई करना बिना काम किए, पार्ट थ्री एस्टिमेट्स के साथ अपना नाम लगाना, जबकि एस्टिमेट्स के साथ अपना नाम लगाना जबकि आपने SA 3400 को नहीं माना, और इंटरेस्टेड बिजनेस में राय देना। तो फर्स्ट अंग्रेजी का वर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम ऐसे याद करते थे, FMG इन सेपरेट बैंकिंग अकाउंट, तो F फॉर फैक्ट, M फॉर मिस स्टेटमेंट, G फॉर ग्रॉसली नेग्लिजेंस, I for insufficient information, N for no disclosure in audit report, and separate banking account is your 10th word. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है? फिर उसके बाद इसमें act तोड़ा, second schedule part 2, जो मैं अभी पढ़ाऊंगी, मतलब अभी revise कराऊंगी, पढ़-पढ़ तो सब रखा है तुमने, तो part 2. पार्ट टू का फर्स्ट क्लॉज एक्ट या रेगुलेशंस तोड़ने पर है, पार्ट टू एम्प्लॉय की कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ने पर है, पार्ट थ्री इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट के लोगों से झूठ बोलने पर है, एंड पार्ट फोर एम्बेजलमेंट पे है, सॉरी क्लॉज, ठीक है। सो पार्ट टू में, आई एम सॉरी मैंने पार्ट बोल दिया सब, पार्ट
टू में ये जो क्लॉजेज है, पार्ट टू का क्लॉज वन, क्लॉज टू, क्लॉज थ्री एंड क्लॉज फोर, एंड पार्ट थ्री तो अदर मिसकंडक्ट पर है. तो ठीक है, ये वाला मेरे ख्याल से आपको एक तरीका, मेरे ख्याल आपको पता तो था पहले से, बस यहाँ पर एक जगह पर ये वाला पर्टिकुलर मेथड आ गया है. ओके ठीक है, चलो अब बताओ, एफएमजी इन सेपरेट बैंकिंग अकाउंट, एफएमजी इन सेपरेट बैंकिंग अकाउंट. जब हम एफएमजी इन सेपरेट बैंकिंग अकाउंट की बात करते थे तो इसके अंदर हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एफ फॉर. एक क्लाइंट ने एफ फॉर कोई फैक्ट था, वो फैक्ट नहीं डिस्क्लोज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो अगर क्लाइंट ने फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो मेरे को अपनी ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स देनी चाहिए थी, मतलब मुझे अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करना चाहिए था, पर मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया. आई नो आई एम गोइंग अ बिट स्लो, बट स्टिल कोई बात नहीं, अभी हाफ एन आवर तो लगेगा, बिकॉज एमसीक्यूज भी हैं थोड़े से, है ना, इसको खत्म करने के बाद में तो इतना तो टाइम लग जाएगा अभी. चलो ठीक है, थोड़ा सा क्विक करते हैं, पर प्लीज़ इसमें बहुत कम कम डिफरेंसेस को करना भी अच्छे से है. तो क्लॉज नंबर फाइव, एक सी ए गिल्टी हो जाएगा इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट नोन टू हिम विच इज नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बात छुपा ली थी, कोई लाइबिलिटी थी उसको छुपा लिया था, कोई प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट लोन लिया था, ये बात नहीं डिस्क्लोज की थी, तो उस केस में मुझे अपनी रिपोर्ट मॉडिफाइड देनी थी, पर मैंने भी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया जानते बूझते हुए, सो आई वुड बी गिल्टी. ठीक है, तो एफ फॉर फैक्ट, राइट. उसके बाद एम फॉर कोई ओवर वैल्यूएशन थे, अंडर वैल्यूएशन थे, कुछ बातें झूठी दी हुई थी, मुझे पता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये झूठी बातें हैं, मिस स्टेटमेंट है, मुझे ओपिनियन क्वालिफाइड एडवर्स देनी थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया, आई वुड बी गिल्टी. नाउ क्लॉज नंबर सेवन, क्लॉज नंबर सेवन जहाँ पे लग रहा होता है स्पेसिफिक क्लॉज तो नहीं लग रही है, पाँच नहीं लग रही है, छः नहीं लग रही है, आठ नहीं लग रही है, पर कुछ तो गड़बड़ है, वर्किंग पेपर्स नहीं रखे, रिपोर्ट बहुत देर से जमा किया, ठीक है, इफ इट डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, अपने काम में लापरवाह रहा, कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं किए, तो सीए दोषी हो जाएगा, वर्किंग पेपर्स नहीं रखे दोषी हो जाएगा नेग्लिजेंस में. उसके बाद आया था आपके पास, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग ये सब क्वेश्चन करे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए जम्बल अप करके एमसीक्यूज करेंगे. नाउ एक सीए गिल्टी होगा इफ ही फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू वारंट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इज एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. उसको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली, पर्याप्त नहीं मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कुछ नहीं मिली, तो उसको ओपिनियन देने से मना कर देना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया, मतलब उसको क्वालिफाइड या डिस्क्लेम कर देना चाहिए था, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देनी चाहिए थी, पर वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो भी ही वुड बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ओके नाउ जब आपने बोला क्लॉज नंबर एट, तो क्लॉज नंबर नाइन, सी क्लॉज नंबर एट तक क्वेश्चन आते हैं, नाइन का क्वेश्चन अगर सिर्फ ये लैंग्वेज आएगी तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप कभी नाइन नहीं लिखेंगे. नाउ सी ए गिल्टी होगा अगर उसने कोई ऐसे फॉलो नहीं किया, उसने रिपोर्ट में भी नहीं लिखा कि मैंने ये ऐसे फॉलो नहीं किया है. ऐसे 700 में रिपोर्ट में हम लिखते हैं ना, वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय ICAI. तो मैंने ऐसे फॉलो नहीं किया तो मुझे लिखना चाहिए था, आई एम नॉट कंडक्टेड माई ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, पर मैंने ऐसा नहीं लिखा तो आई वुड बी गिल्टी, राइट. सो नाउ एफ एम जी इन सेपरेट बैंकिंग अकाउंट, एफ फॉर फैक्ट जो डिस्क्लोज नहीं था, एम फॉर मिस स्टेटमेंट सिक्स, एफ एम जी, जी इज फॉर ग्रॉसली नेग्लिजेंट क्लॉज नंबर सेवन, इन आई इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन क्लॉज नंबर एट, एंड नो डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज नंबर नाइन. अब टेंथ, अगर क्लाइंट ने कभी भी आपको कोई पैसा दिया पर ये क्लॉज नहीं लगेगी, जो क्लाइंट ने आपको फीस का पैसा दिया है या आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दिया, उसके लिए तो मेरी मर्जी में कैसे भी खर्चा करो, पर अगर क्लाइंट ने अपना जीएसटी का अमाउंट जमा करने के लिए मुझे पैसा दिया, अगर क्लाइंट ने अपना एडवांस टैक्स जमा करने के लिए मुझे पैसा दिया कि सर मैं आपके पास अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, अब ऑनलाइन मेरा एडवांस टैक्स जमा करने की तारीख आ रही है 15 जून, उस दिन आप जमा कर दीजिएगा, मेरा फर्ज बनता है मैं उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखूं, मैं अपने उस अकाउंट में ना रखूं जिस अकाउंट से मैं अपने स्टाफ की सैलरी और ये सब कुछ काम करता हूं, मैं अपने पर्सनल खर्चों के लिए उस पैसे को इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, तो मुझे वो पैसा अलग उठा कर रखना है सिर्फ उसके पर्पज़ के लिए,
और अगर मैंने जिस पर्पज के लिए उसने पैसा दिया था उस पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन क्लॉज नंबर 10. सो क्लॉज नंबर 10 इज फॉर ही हैज टू कीप हिज मनी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड स्ट्रिक्टली एज पर द क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शंस. राइट ना, सेकेंड शेड्यूल का जो क्लॉज नंबर 1 है, दिस क्लॉज नंबर 1, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. कभी कभी इन लोग ने क्या किया हुआ है, एक या दो क्वेश्चन इसी वाले सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 2 के क्लॉज 1 पे पूछ ले, क्योंकि इसको आप लोग छोड़ जाते हैं एट टाइम्स. सो क्लॉज 1 ने कहा है एक सीए गिल्टी हो जाएगा अगर वो कॉन्ट्रावीन करता है कोई भी प्रोविजन या रेगुलेशन या गाइडलाइंस. सो जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन कहती हैं हर आर्टिकल को मंथली स्टाइपेंड दो, नहीं दोगे तो दोषी हो जाओगे. आर्टिकल शिप डीड आप आगे फॉरवर्ड करोगे, आप अपने आर्टिकल की फर्म से लोन नहीं लोगे, पर आप आर्टिकल के रिलेटिव की फर्म से लोन ले सकते हो. पर अगर आर्टिकल शिप में एंटर करने के लिए कोई बंदा आपके पास आए, तो आप उसके रिलेटिव को ही नहीं बोलोगे हाँ मैं इसको आर्टिकल शिप में रख तो लूंगा अगर तुम मुझे लोन दोगे. नो यू कांट से सो. इसका मतलब क्या हुआ, आप लोन ले सकते हो सिर्फ आर्टिकल के रिलेटिव की फर्म से, बट इट नॉट बी टेकन इन कनेक्शन विद दिस आर्टिकल शिप. और आप किसी आर्टिकल से किसी से कोई पगड़ी रकम, बयाना रकम, सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रीमियम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सीओपी बाद में काउंसिल ने गाइडलाइंस दी हैं. देखिए आजकल तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वैसे भी कॉस्ट ऑडिटर बनते रहे हैं. कॉस्ट ऑडिटर्स के लिए 148 कंप्लीटली आ गया है, कॉस्ट अकाउंटेंट ही बनते हैं. स्टिल दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन 1956 के हिसाब से पड़ी हुई है. नाउ अगर आप कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर के एम्प्लॉय हो, कंपनी का कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 में कर रहा है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप उसके एम्प्लॉय हो, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं करोगे. अगर आप एम्प्लॉय हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय होने के लिए भी आप ड्यू डिलिजेंस से काम करोगे. आपकी एक सरकारी नौकरी लग गई, आप कहते हो वाह वल्ले वल्ले, अब तो मैं कैसे भी काम करूं मेरी जॉब नहीं छूटेगी, तो नहीं आप दोषी हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि गाइडलाइंस कहती हैं यू हैव टू मेंटेन ड्यू डिलिजेंस, यू हैव टू वर्क केयरफुली इवन इफ यू आर इन अ जॉब. ओके नाउ एक पर्सन, एक इंस्टीट्यूट का मेंबर जो प्रैक्टिस में है, उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा कैश बुक और लेजर 110%. यानी कि इवन अगर आपकी प्रोफेशनल रिसीट कम है, फिर भी आपको कैश बुक और लेजर तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा. आप कैश बुक और लेजर मेंटेन नहीं करोगे तो आपने, क्योंकि गाइडलाइंस को तोड़ा, आप सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 2 के क्लॉज नंबर 1 में दोषी हो जाएंगे. आप मैक्सिमम कितनी टैक्स ऑडिट कर सकते हो, 60 कर सकते हो. अगर आपकी फर्म में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट 60+60+60 कर सकते हैं. अगर आप दो फर्म्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट, दो फर्म्स में पार्टनर हो, एक फर्म में आपने 50 टैक्स ऑडिट ले लिया, तो दूसरी फर्म में केवल 10, यानी दोनों फर्म्स में मिल के 60 हो सकता था. नॉर्मल रूल है, जैसे सीलिंग ऑन ऑडिट, कंपनी ऑडिट पे रूल्स चलते हैं. ओके आज के दिन कोई मिनिमम फीस की बात नहीं, आप कितनी भी कम से कम फीस पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो है वो एक ऑडिट असाइनमेंट का रिकॉर्ड रखेगा, कौन सी इस साल कितनी कंपनी का काम उसने किया, क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, कब उसने एक्सेप्टेंस किया, कब उसने ADT 1 फॉर्म भरा ROC के पास में. दिस रिकॉर्ड यू हैव टू मेंटेन. नाउ अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटरशिप PSU लिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, यानी अगर आप PSU लिस्टेड या गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, या कोई भी और पब्लिक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, पब्लिक कंपनी के लिए टर्नओवर लिमिट है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है इन अ ईयर, और आप कुछ दूसरा काम भी कर रहे हो और अदर वर्क की फीस ज़्यादा है ऑडिट के फीस से, तो आप दोषी हो जाओगे. क्यों? क्योंकि आपका दिमाग दूसरा काम करने में ज़्यादा लगा रहेगा, पर इस अदर वर्क में नहीं आएगा टैक्स ऑडिट, इसमें नहीं आएगा. अगर आप लिस्टेड एंटिटीज का कोई सेबी में सर्टिफिकेशन का काम करते हैं, कोई आप रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, बट अदरवाइज अगर आप उनके लिए MCS कर मान लो आपने लिस्टेड कंपनी का MCS मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज भी किया. अच्छा एक काम करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के लिए मान लेते हैं आपने कुछ उनकी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम भी किया और आपने ऑडिट का काम भी किया, दूसरे काम की फीस ऑडिट की फीस से ज़्यादा है, तो आप दोषी हो जाएंगे.
अब इसके अंदर आपको कंपनीज एक्ट का सेक्शन 144 भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 144 तो कुछ काम करने के लिए मना कर देता है, कि वाले काम तुम कर ही नहीं सकते हो, ओके? पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं अगर आपने PSU लिस्टेड कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी का या किसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे अधिक है, उसके लिए ऑडिट का भी काम कर रहे हो और कोई भी और काम कर रहे हो जो अलाउड है अदरवाइज, और दूसरे काम की फीस ऑडिट की फीस से ज़्यादा है, चाहे वो दूसरा काम खुद कर रहे हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव कर रहा है, चाहे आप कर रहे हो, आपका रिलेटिव कर रहा है, कोई दूसरा पार्टनर कर रहा है, सबका मिला के, यानी दूसरे काम की फीस ऑडिट की फीस से ज़्यादा रहेगी तो दिमाग दूसरे काम में चलेगा, पर दूसरे काम में नहीं है ऑडिट सर्टिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन वर्क ना। अब आपने कहा, देखिए केस स्टडीज हम बहुत कर चुके हैं इनके ऊपर, मुझे नहीं लगता अब केसेस करने की ज़रूरत है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट्स बीन ऑलरेडी आई गेस 2 आवर्स। सीए इन गिल्टी अगर ऑडिटरशिप किसी कंसर्न का करता है जब वो इंडेटेड है कंसर्न को या गैरंटी दिए फॉर लिमिट फिक्स इन स्टैट्यूट इन अदर केस एक्सीडिंग 10,000। चलो अगर आपका क्लाइंट है ABC लिमिटेड तो लॉ ने बोला है 5 लाख रुपए से अधिक, तब तो 5 लाख की लिमिट लगेगी, और अगर आपका क्लाइंट है ABC एंड एसोसिएट तो पार्टनरशिप फॉर्म ने तो कुछ नहीं बोला, तब अगर आप 10,000 रुपए से अधिक के लिए आपने उधार लिया हुआ है तो आप दोषी हो जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में। तो आप बताओ यहाँ पे गाइडलाइंस, अब इंस्टीट्यूट को कुछ भी नई चीज़ लानी होती है तो वो क्लॉज में चेंज नहीं करते, वो एक नई गाइडलाइन ले आते हैं, गाइडलाइन आते हैं, आपने प्रोविजन एक्ट के तोड़ी, रेगुलेशन तोड़ी, गाइडलाइन तोड़ी, आप दोषी हो जाते हैं। नाउ अगर आप इम्प्लॉय भी हो क्लॉज में, क्लॉज 2 में, और आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने इम्प्लॉय की बताई है ना, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह के केस में हो जाता है, तो भी आप दोषी हो जाएंगे। और अगर आपने हे राम इंस्टीट्यूट से झूठी बातें बोली, या खुदा इंस्टीट्यूट से आप झूठ बोल रहे हैं, एक आर्टिकल जो है आपके डमी था पर आपने इंस्टीट्यूट को बोला नहीं ये डमी नहीं था, ठीक है, आप कहीं कुछ और काम कर रहे थे पर आपने इंस्टीट्यूट को बोला नहीं मैं कुछ और काम नहीं कर रहा हूँ, आप एक हफ्ते में 40 घंटे पढ़ा रहे थे पर इंस्टीट्यूट के पूछे जाने पर आपने बोला नहीं मैं तो कहीं पढ़ाता ही नहीं हूँ, बाद में प्रूव हो गया आप पढ़ा रहे थे प्रैक्टिस में होते हुए भी, तो आप दोषी यहाँ पर हो जाएंगे। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई भी पैसा मिला अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, वो पैसा खा गया। सी क्लॉज नंबर 10 जो थी पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल का, वो तो था पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा या उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, या तो एम्बेजलमेंट, पैसे का गबन कर लिया सीए ने, तो भी वो दोषी हो जाएगा अंडर क्लॉज नंबर 4। सो शेड्यूल 2 के जो फ्रॉड्स हैं या शेड्यूल 2 के जो क्लॉजेज हैं उनमें जो जो मिसकंडक्ट है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड के हैं। पार्ट 3 आपका क्लियर था ही, चलिए आई गेस दिस QR भी वगैरह आप क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में पढ़ते हैं ना, ये आपने पढ़ रखा होगा रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स, इसको जस्ट अब एक बार क्विक कर लेते हैं। रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर एक बार मैं जल्दी से ऐसे करते चले जाती हूँ, आप मानेंगे तो अच्छा, नहीं मानेंगे तो केस में आप फंसेंगे नहीं, आपके लिए रिकमेंडेटरी नेचर है, आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। नाउ क्या आप सेम बैंक का क्वार्टरली रिव्यू और कंकरेंट ऑडिट कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। टैक्स इस पे तो बहुत क्वेश्चन आया है, 10 पार्टनर इकट्ठा फर्म में 600 टैक्स ऑडिट ले सकते हैं, पर एक ही पार्टनर 600 के 600 पे साइन कर सकता है, एनी वन पार्टनर कैन साइन, तो ये सब क्लैरिफिकेशंस है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना फोटोग्राफ छापेगा, फोटो क्यों छापनी है विजिटिंग कार्ड पे, बिल्कुल भी नहीं, फोटो छापने का काम क्यों करना है, सिर्फ आप अपना एक प्रोफेशनल सा विजिटिंग कार्ड रखिए। क्या आप ई इंटरमीडियरी बन सकते हैं, ई रिटर्न्स भरवा सकते हैं, यस एवरीथिंग इज पॉसिबल। DSA बन सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, नो, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस DSA किसी प्रोडक्ट को बेचेगा, नो यू कैन नॉट। हाँ लोन्स वगैरह देने के केस में लोन्स का अप्रेजल कर सकते हो, गवर्नमेंट के साथ शेयरिंग ऑफ फीस, कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का उसूल है, अगर हम आपको ऑडिटर बनाएंगे तो आप अपनी फीस हमारे साथ शेयर करेंगे, ओके अलाउड। नाउ अगर आप ऑडिटर सब्सिडरी कंपनी के, तो क्या आप होल्डिंग के डायरेक्टर हो गए, तो इंस्टीट्यूट मना करता है, कहता है नहीं आप ऐसा मत कीजिए। KYC नॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि कोई भी क्लाइंट आया और आपने उस क्लाइंट का काम ले लिया, आपको एक KYC नॉर्म्स रखनी पड़ेंगी अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, जैसे बैंक्स वाले ऐसी तो किसी का भी अकाउंट नहीं खोलेंगे,
सो बेसिकली एनी क्लाइंट, इफ एनी पर्सन कम्स टू यू, आप उसको क्लाइंट बना रहे हैं तो उसकी नॉर्म्स होनी चाहिए, इंडिविजुअल, पैन नंबर, क्या काम करता है, ये सब इंफॉर्मेशन, अगर वो कंपनी है तो कंपनी का बिजनेस डिस्क्रिप्शन, क्या आप उसका काम कर रहे हैं, आप उसका IFI का चेकिंग कर रहे हैं, या आप उसका टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, आप उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर क्लाइंट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, पर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है तो भी आप, आई गेस दिस इज वेरी सिंपल, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। नेटवर्किंग, अगर आप EY के नेटवर्किंग पार्टनर है, EY KPMG डिलॉयट प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, सो बेसिकली अगर जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ KPMG, तो KPMG BSR उसका नेटवर्क है, सो BSR इज भारत एस राउट, है ना। सो BSR अगर नेटवर्किंग में BSR अगर KPMG का है तो वो EY नेटवर्क को ज्वाइन नहीं करेगा, राइट। सो ठीक है, आप नेटवर्क में अगर हैं तो आप नेटवर्क फॉर्म, एक ही नेटवर्क फॉर्म से एसोसिएटेड होंगे, कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फॉर्म, अगर कई सारी इंडियन फॉर्म है, वो कई सारी इंडियन फॉर्म EY से एसोसिएटेड है तो वो सब EY के एफिलेट्स हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट था ये टेंडर के रिस्पेक्ट में था, क्लॉज नंबर 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ने हमें टेंडर देना अलाउ किया था। सॉरी, लेट मी हैव सम वाटर। हाँ जी, नाउ प्लीज टेल मी, डू यू रिमेंबर क्लॉज नंबर 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ने हमको टेंडर्स को अप्लाई करने अलाउ किया था? तो आप टेंडर्स को अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर टेंडर्स एक्सक्लूसिव एरियाज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लाइक टैक्स ऑडिट है, जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप टेंडर्स को मत रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि वहाँ फीस के बेसिस पे लड़ोगे। कोई सी ये बोलेगा, देखो टैक्स ऑडिट के लिए टेंडर इशू किया, कोई सी ये बोलेगा मैं 10,000 में काम करूँगा, तो कोई सी ये बोलेगा मैं केवल 1,000 में काम कर लूँगा, तो नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। बहुत ज़्यादा फीस गिरने का काम है, सिर्फ फीस के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि टेंडर्स के अंदर जो सबसे कम फीस कोट करेगा उसको काम मिलेगा। पर अगर मिनिमम फीस दी हुई हो कि भाई मिनिमम फीस है ही 10,000, इतना या इससे ऊपर बोलिए, तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। और अगर नॉन एक्सक्लूसिव एरियाज है, लाइक अकाउंटिंग वगैरह के लिए टेंडर की बात आती है, तो आप मज़े में कीजिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आप कंपीट कर रहे हो नॉन CAs के साथ में भी। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और अर्नेस्ट मनी भी आप नहीं रखा सकते, अर्नेस्ट मनी का मतलब पगड़ी रकम, बयाना रकम, और यू कैन से प्रीमियम अमाउंट। सो अर्नेस्ट मनी भी कोई ऐसे फील्ड जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, वहाँ पे आप नहीं रखाएंगे। लाओ, सो एथिकल इसके स्टैंडर्ड बोर्ड के ये सब डिसीजंस आपने पढ़े, QR कोड छपवा सकते हो, वैल्यूअर नहीं हो सकते हो, CA फर्म का बैनर नहीं बनेगा, कोई थैंक यू एडवर्टीजमेंट में आपका नाम नहीं आएगा, अगर कोई CAs का रैंकिंग दे रहा है तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि CA का रैंकिंग तो ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, वहाँ पे नहीं करेंगे, यू नो, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। प्लस डिसीजंस आपने सबने पढ़े हुए होते हैं, आपके किताबों में दिए हुए हैं, क्योस्क सर्विसेज, क्योस्क जैसे इंफॉर्मेशन सीकिंग सर्विसेज के लिए आप क्योस्क लगा देते हो आजकल, ठीक है, आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड वही काम कर रहे हो क्योस्क के थ्रू जो आपके लिए परमिटेड है। ई रिटर्न कर सकते हो, नॉन ईडी आप बन सकते हो, पर नॉन ईडी तो हो, पर अगर आप नॉन ईडी एक कंपनी के हो तो जॉइंट वेंचर वाली कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटरशिप नहीं लोगे। ऐसे ऐसे सारे के सारे ये पॉइंट्स हैं, एक बार प्लीज़ इनको, प्लीज़ एक बात सुनो, इनको प्लीज़ छोड़ना नहीं है जो पीछे पॉइंट्स दिए हुए हैं। सी, इनमें से एक एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट ये आ जाता है कि आप अपना विजन और वैल्यूज नहीं छापोगे। हमारा विजन, ये सब मोटिवेटर्स के काम होते हैं, सी इन प्रैक्टिस के काम नहीं होते हैं। ओके, तो इंटर्नशिप तो आप कर ही सकते हो आज के दिन, कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, अगर पुराने की डेथ हो गई है, ये सब बहुत ईजी हैं, ये सब चीज़ें, मतलब अगर नहीं भी लिखी हुई हैं तो भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हो इनको, है ना। आप डॉक्टर पहले लिख सकते हो, CA बाद में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इंटरनल ऑडिटर हो तो कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेजेस मत भेजना प्लीज़, कि भाई आप हमको कुछ काम दे दीजिए, हम CA इन प्रैक्टिस है, दैट इज़ रॉन्ग।
ठीक है, एंड ये सब आई गेस जीएसटी पे ट्रेनिंग्स लगा सकते हो दूसरे सीए के साथ मिलके। ये तो ना अगर मान लो नहीं भी होगा तो भी आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ जीएसटी से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस थे, आई हैव जस्ट इंक्लूडेड इन दिस थिंग। इसमें कि ये इम्पोर्टेंट कि क्या आप अपने आप को जीएसटी कंसल्टेंट लिख सकते हो, तो नहीं हम जीएसटी कंसल्टेंट नहीं ले सकते, बिकॉज अगर हम सीए इन प्रैक्टिस है तो हम सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकते हैं, नथिंग एल्स। ओके, अब इसके बाद ये समरी दी हुई है सारी, इसको एक बार अभी सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। आप अभी की अभी इस वाली क्लास को खत्म करते, ठीक है, नाउ क्लोज एवरीथिंग, बुक्स तो आप देख नहीं रहे, आप इस क्लास को खत्म करते अपनी सेल्फ स्टडी पे। एक बार आपकी किताब अगर आपने बैच में पढ़ा है तो उसके जो नोट्स हैं उनको सबको एक बार अभी की अभी आप रिवाइज करता, ठीक है। अब बंद मेरी चॉइस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मिस्टर वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस सेंट अ लेटर अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग टू द प्रीवियस ऑडिटर आफ्टर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वी आर बाई ही इन्फॉर्म द प्रीवियस ऑडिटर अबाउट इज अपॉइंटमेंट। आप बताओ इस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होएगा। मिस्टर वलाया वी शैल नॉट बी हेल्ड गिल्टी, नहीं गिल्टी तो होगा, ही शैल बी गिल्टी बिकॉज ही सेंट अ लेटर इन्फॉर्मिंग प्रीवियस ऑडिटर अबाउट इज अपॉइंटमेंट आफ्टर एक्सेप्टिंग। ये तो अभी ठीक सा लग रहा है। ही शैल बी हेल्ड गिल्टी बिकॉज ही हैज सेंट लेटर अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, ये भी ठीक लग रहा है। ही विल बी गिल्टी एज पर बोथ द रीजंस बी और सी, तो जाहिर सी बात है दोनों है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग भी है और अपॉइंटमेंट के बाद भेजा है, मतलब एक्सेप्टेंस के बाद भेजा है, दोनों बातें गलत है। क्लॉज नंबर 8 था पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। नाउ देखिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर कभी भी दिक्कत हो रही है तो आप 50-50 कर लीजिए एमसीक्यूज में। 50-50 मीनिंग देयर बाय दो जो बिल्कुल गलत लग रहे हैं उनको हटा दीजिए। अब चॉइस दो के बीच में करना होगा, फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे उसको आंसर लिखिए आप। ओके चलिए, idindia.com इज अ वेबसाइट, मैं आपको बीच बीच में से कुछ कुछ करा रही हूं प्लीज, ठीक है, ताकि एक बार एक क्विक रिविजन हो जाए। हाँ, अब मैं इस क्लास में सिर्फ एमसीक्यूज कराऊंगी, आप में से किसी को अगर टाइम सेव करना और एमसीक्यूज ऑलरेडी पहले से कर रखे हैं तो आप अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ओके नाउ idindia.com इज अ वेबसाइट विच लिस्ट डेटाबेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। मिस्टर अमितेश इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वॉन्ट्स टू गेट हिज नेम लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, आप बताओ वो कर सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कोई भी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर कोई भी डेटाबेस रख रहा है फॉर द पर्पज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यू कैन, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टर राघव इज अ ऑडिट ऑफ गोपालम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, विच इज अ स्टेट लेवल, विच इज अ स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी, द अपॉइंटमेंट लेटर इट हैज बीन मेंशन दैट अ पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑडिट फी शैल बी पेड टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट ट्रेजरी विद अ प्रिस्क्राइब टाइम। क्या आप गवर्नमेंट के साथ फीस का शेयरिंग कर सकते हो? कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, तीन में कैन नॉट है तो समझ आ रहे तीनों ही गलत होंगे। यस ही कैन डू सो, क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ में श्योरिंग करने पे कहीं पे भी कोई एतराज नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं आपको मेन मेन ये पढ़ा दूं, अगर आपको सी, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ क्योंकि मुझे क्विक कराना है, क्विक, अदरवाइज एक क्विक रिविजन की सेंस नहीं रहेगी, तो मैं की वर्ड्स मेन मेन लेके चल रही हूँ। अगर आपको करना है तो आप क्या कीजिए, आप उस पर पॉज कर लीजिए, पॉज करते आप इसको पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ के फिर इसको इतने पॉज कर लीजिए, फिर आप प्ले कर लीजिए। ओके मैं क्विकली, सेमिनार हुए, सेमिनार में बंदे ने अपने क्लाइंट के बिजनेस की वाइटल इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी ड्यूटी, तो क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस था जीएसटी के ऊपर, तो वो गिल्टी हो जाएंगे अंडर क्लॉज 1 पार्ट 1, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी ड्यूटी है, क्लाइंट की बिजनेस की बातें बताई हैं, नॉट की बात नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में था की बात नहीं है, कंपनी या किसी के भी इंटरेस्ट में था, तुमने क्लाइंट की बात बताई कैसे? ओके मिस ममता इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अपने प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड पे उन्होंने क्यू आर कोड भी दिया, क्यू आर कोड में, क्यू आर कोड आजकल सब लोग छाप लेते हैं,
जिसमें उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी, वेबसाइट होता है. यस, आजकल ये बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ओके, नाउ सीए धर्म इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. उसने लोन लिया करोल बाग से, लोन लिया, पर्सनल लोन लिया टू बाय अ हाउस प्रॉपर्टी. चेक दिए और चेक इनसफिशिएंट फंड की वजह से रिटर्न हो गए. अदर मिसकंडक्ट के लिए दोषी हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में. अगर आपका चेक रिटर्न हो जाता है ओके, तो आप दोषी हो जाते हैं. नाउ अमन रमन नमन एंड कंपनी ने बैनर लगाया, एक फंक्शन में गए, एनजीओ के लिए गए, एनजीओ के प्रोसीड्स जानी थी. क्रिकेट मैच हो रहा था, एक्टर्स का, क्रिकेटर का, बहुत सारे स्पॉन्सर्स थे. उन्होंने स्टेडियम में बड़ा सा फर्म नेम का बैनर लगा दिया. तो आप बताओ, बैनर लगाना तो फर्म नेम का गलत हो गया ना, क्लॉज 6 और 7 में भी मना है. ओके, राइट, कि उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन फैमिलीज ऑफ आर्मी पर्सनल को जाना था, सब बेकार है. सिर्फ मेन क्रक्स पे आप ध्यान लगाइए. ओके, नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने ऑडिट के दौरान एक लोन, उसको पता चला कि कंपनी ने लोन लिया था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से और लोन बुक्स में नहीं आ रहा था और मिस्टर जॉन ने इग्नोर कर दिया. तो कोई फैक्ट था अनडिस्क्लोज. क्लॉज नंबर 5 फर्स्ट शेड्यूल, सॉरी, क्लॉज नंबर 5 फर्स्ट पार्ट सेकेंड शेड्यूल का. ओके, क्लॉज नंबर 5 पार्ट फर्स्ट सेकेंड शेड्यूल का. उसको पता था मटेरियल फैक्ट, फिर भी उसने वो मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया. मिस नताशा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. रिसेंटली शी पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन एंड वन द टाइटल ऑफ मिस वुड आर्लिन न्यू जर्सी. एंड आने पर उनको उन्होंने कहा कि मैं अपना फोटोग्राफ अपने विजिटिंग कार्ड पर छाप देते हैं. आप बताओ, विजिटिंग कार्ड पे फोटोग्राफ छापना अलाउड है कि नॉट अलाउड है? पार्टिसिपेट करो, आप किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करने पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. बस प्रिंटिंग ऑन हर प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड एनी फोटोग्राफ, एनी सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफ, दैट इज नॉट परमिटेड एट ऑल. अच्छा, एक पर्सन की डेथ हो जाती है, उनकी विडो सेल करना चाहती हैं प्रैक्टिस टू हिम फॉर 15 लाख्स. आप बताओ कैसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर ICI की परमिशन विद इन 1 ईयर ले लिया. ठीक है, तो आपने एक बार पढ़ा हुआ पहले से है, प्लीज मैं क्विकली रिवाइज करा रही हूँ जो मुझे बढ़िया लग रहा है. मिस्टर डी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लिस्टेड कंपनी का नॉन ईडी था. लिस्टेड कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट आया, ऑफर डॉक्यूमेंट में उसका बायोडाटा, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सारी चीज़ें दी गई जैसे कि दूसरे नॉन ईडी का दिया होता. नो, ऑफर डॉक्यूमेंट में, प्रोस्पेक्टस में हमारे प्रोफेशनल अटेनमेंट्स बिल्कुल नहीं आएंगे, मना किया हुआ है. एडवर्टीजमेंट की नेचर में हो जाता है ये. ओके, मिस्टर डी को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया, 1 साल के लिए COP छीना एंड ऑल. और उन्होंने उस 1 साल में भी GST के रिटर्न भरे. आप बताओ, जितने समय के लिए प्रैक्टिस से सस्पेंड किया गया है उतने समय के लिए क्या वो GST के रिटर्न और GST की कंसल्टेशन दे सकता है? वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन डू. सो इट इज़ नॉट ओके फॉर हिम कि वो टैक्सेशन का काम, GST का काम करे. कोचिंग दे सकता था, ठीक है, कोई बिजनेस सेटअप कर सकता था उस दौरान, बट प्रैक्टिस वाला कोई भी काम नहीं करना था. ये सब वेरी सिंपल वंस यू कैन, आपने पढ़ा हुआ है, आपने इनी टाइम लगाना. MNO एक फर्म है, उसने लोन लिया 2.5 लाख का फाइनेंस कंपनी से. मैनेजिंग डायरेक्टर जो फाइनेंस कंपनी का है वो मिस्टर डी है. मिस्टर डी का बेटा तुम्हारा आर्टिकल ट्रेनी है. ट्रेनी से लोन नहीं लिया, ट्रेनी के रिलेटिव से लोन लिया है, फिर तो अलाउड है. बस वन थिंग, ही मे एक्सेप्ट अ लोन फ्रॉम एनी एंटरप्राइज वेयर इन आर्टिकल ट्रेनी इज रिलेटिव इज इंटरेस्टेड. बस उसने एज अ कंसिडरेशन नहीं लिया हुआ होना चाहिए था. अगर कुछ भी आपको लगता है थोड़ा टाइम लगाने की जरूरत है, पॉज द वीडियो राइट देयर, फिर उसके बाद उसको एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे चल लो आप. ठीक है, मैं तो फास्ट भी करा सकते हो, पढ़ाते वक्त बहुत टाइम लगाया हुआ है केसेस पे भी. एफिशिएंट मैकेनिक्स लिमिटेड इज रनिंग इनटू लॉसेस. मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि उन लोगों को कॉस्ट रिडक्शन करनी है. तो उन्होंने मिस तानिया को अप्रोच किया और उनको बोला कि आपको 5% देंगे बेनिफिट्स फ्रॉम सजेशन, कॉस्ट रिडक्शन.
सी आर वी एम सी डी, एम सी डी का जो सी था दैट वॉज कॉस्ट रिडक्शन, तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए तो परसेंटेज चलता है, वो क्लॉज नंबर 10 में दोषी नहीं होगी, कॉस्ट रिडक्शन इज अलाउड। ओके, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट मीडिएटर का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज मीडिएटर इज लाइक आर्बिट्रेटर, झगड़ा सुलझाना अलाउड है। ओके, अच्छा दिस इज अ वेरी गुड वन, ओके शायद कहीं आप पढ़ी हुई बात भूल ना गए हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फुल टाइम लेक्चरर हिंदू कॉलेज में हो और ब्रदर के साथ बिजनेस में पार्टनर बने, अगर बिजनेस में पार्टनर बने हैं तो क्लॉज 11 लगेगी, अगर प्रोफेशनल पर्पस के लिए पार्टनर बने हैं तो क्लॉज 4 लगेगी, ठीक है, तो वो क्लॉज 11 में ही होगा केवल, क्लॉज 4 में नहीं, क्लॉज 4 है प्रोफेशनल काम के लिए पार्टनरशिप्स के ऊपर, क्लॉज 11 है बिजनेस के लिए, वहां पे मेन क्रक्स इज द बिजनेस थिंग। ओके, तो क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। मिस्टर अमनप्रीत ग्रेट मोटिवेटर हैं, बहुत सारे उनके यूट्यूब पर हैं, यूथ आइकन है और YouTube पे बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारी सेमिनार्स में बुलाया जाता है, यूथ आइकन उनको बोला जाता है, तो वो अपना विजन और वैल्यूज अब प्रैक्टिसिंग है, ठीक है, विजन एंड वैल्यूज अपने प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड पे देना चाहते हैं, नो विजिटिंग कार्ड को विजिटिंग कार्ड रहने दो, कोई विजन नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई क्या कहना चाहिए मुझे, कोई विजन वैल्यू इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एंड ऑल, यू सी उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, उस पर कोई फोटो वोटो भी नहीं आ सकती है। अच्छा, मिस्टर जय इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और टैक्सेशन दे रहे हैं, वो उनके क्लाइंट्स इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बोलना शुरू कर दिया और उनके पोर्टफोलियोज भी मेंटेन कर लिया, आप बताओ पोर्टफोलियो मैनेज करना ठीक है कि नहीं ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट अलाउड फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 भी मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए इसको मना करता है ना, तो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे सकता है बट ब्रोकिंग अंडर राइटिंग एंड पोर्टफोलियो नहीं है, इसलिए वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा, तो सी ए इन प्रैक्टिस कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। मिस्टर सतनाम इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, उन्होंने पार्टनरशिप किया ऐसे पर्सन जो मेंबर नहीं थे फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, जहां बिजनेस देखो अदर देन प्रोफेशन देखो उठा के क्लॉज 11 ले आओ प्लीज, अगर प्रोफेशनल काम में पार्टनरशिप किया किसी नॉन सीए के साथ तो क्लॉज 4 लगेगी, बिजनेस के पर्पज के लिए लगा तो फिर मेन थीम है अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन देन ठीक है, वो क्लॉज नंबर 11 में दोषी होगा, नॉट इन क्लॉज 4, क्लॉज 4 में नहीं है, है ना, चलो क्योंकि यहाँ पर ना MCQs में इस तरह की चीज बहुत आ जाएगी, मिस धनुषी ने सिर्फ 3,000 रुपए पे काम एक्सेप्ट किया, अलाउड है आजकल मिनिमम फीस की कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं रह गया है। ओके, मिस्टर जय इज अ पार्टनर इन जय वीरू एंड कंपनी और असेसमेंट ईयर 18-19 में मिस्टर वीरू ने 295 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स किए। ओके, और सिक्स पार्टनर थे तो मल्टीप्लाइड बाय 360 टैक्स ऑडिट कर सकते थे, और एक अकेला 295 पे कर सकता है, देखो इसमें लिखा है 270 नहीं, ये तो गलत हो गया, फिर इसमें लिखा है 360 बट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइंड इन सच अ मैनर दैट नो इंडिविजुअल शैल साइन मोर देन 60, ये भी नहीं, द फर्म कैन एक्सेप्ट 180 ओनली, नो टैक्स ऑडिट में तो 60 है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, एनी पार्टनर कैन साइन इवन ऑल द ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है, सारे देखो मेन मेन चीजें हो रही है। मिस्टर अरमान खान इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, अब्रॉड जा रहा है लॉन्ग शूटिंग शेड्यूल के लिए स्विट्जरलैंड, जाने से पहले 1 करोड़ रुपए दे दिए अपने टैक्स कंसल्टेंट को, ठीक है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है टैक्स कंसल्टेंट, और उसने बोला मंथली GST ऑब्लिगेशन मीट आउट कर देना, तो मंथली GST ऑब्लिगेशन मीट आउट कर रहा था सीए, पर क्या हुआ जब एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई तो उसने उसके बजाय अपना एडवांस टैक्स पे कर दिया, आप बताओ क्या क्लाइंट के लिए उसने जिस पर्पस के लिए क्लाइंट ने पैसा दिया था उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया या किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, आउट ऑफ हिज ओन मनी, हाँ बाद में उसने जब इंटरेस्ट ड्यू के साथ GST पे कर दिया, बाद में क्यों करा, आपने क्लाइंट का पैसा अपने पर्पस के लिए यूज ही क्यों किया, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, यू कुडंट डू दिस थिंग एट ऑल,
ठीक है, बिकॉज उसने सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा एंड फेल टू यूज देम फॉर स्टेटेड पर्पजेस, उस पर्पज के लिए उसको यूज नहीं किया। नाउ ये वो ये 12 लाख रुपए रिसीव किए जब गोइंग अब्रॉड कर जा रहा था, और अपने बैंक अकाउंट में पैसा रख लिया। सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रखना था, अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखा, ही वुड बी गिल्टी। नाउ मन्नन एंड कंपनी इज अ सोल प्रोप्राइटरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म इन प्रैक्टिस विच इज हैविंग एन ऑफिस इन द बिजी बेल्ट ऑफ मुंबई सिटी। दे वर हैविंग ग्रेट डिफिकल्टी इन रेगुलरली अटेंडिंग टू द कंसल्टेंसी नीड ऑफ हिज क्लाइंट हु आर मोस्टली लोकेटेड इन एन इंडस्ट्रियल क्लस्टर इन द नियर बाय आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट मुंबई से बाहर, मुंबई से लगते हुए इलाके थोड़े से बाहर, आउटस्कर्ट्स यू नो थोड़ा सा बाहर है ना, आउटर एरियाज, विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 किलोमीटर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मन्नन एंड कंपनी टू मिटिगेट द डिफिकल्टी एंड टू हैव ईज ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस। फैसिलिटेशन सेंटर वॉज ओपन इन द इंडस्ट्रियल क्लस्टर। सी ए मन्नन मैनेज बोथ ऑफिस एंड फैसिलिटेशन सेंटर बाई हिमसेल्फ। नो इंटीमेशन वॉज मेड टू ICICI। ये गलत है। जब यहाँ पे दूसरा ऑफिस खोलेंगे आप ICICI को, ये तो बताएंगे कौन सा पहला ऑफिस है कौन सा दूसरा है। तो ये सेपरेट इंचार्ज के लिए तो दोषी नहीं है क्योंकि वो विद इन 50 किलोमीटर की लिमिट है, पर क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो वो दोषी बन गए। ओके, इन्फॉर्म करना उनके लिए बहुत जरूरी था। मिस्टर अरमान को टैक्स ऑडिटर बनाया है। मिस्टर अरमान एक्सेप्टेड हिज अपॉइंटमेंट इन टैक्स ऑडिटर एंड कमेंस द टैक्स ऑडिट वर्क ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट इटसेल्फ, क्योंकि लास्ट डेट आने वाली थी। फिर अरमान ने प्रीवियस टैक्स ऑडिटर को बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भेजा। पर एक बात बताओ, काम एक्सेप्ट करने से पहले भेजना चाहिए था ना। कम्युनिकेशन गिल्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बिफोर एक्सेप्टिंग कम्युनिकेट नहीं किया। साइनिंग से मतलब नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने से पहले कर लेना चाहिए था। जे वीरू एंड कंपनी इज अ फर्म विद टू पार्टनर्स, जे एंड वीरू। दे डेवलप्ड अ वेबसाइट jvcompany.com, ठीक है। दिस वेबसाइट कंटेन्स अ डिटेल अबाउट द फर्म एंड अ हाइपर लिंक ऑफ टू सीएस ऑफ 2000 बैच, सन 2000 में सीए की होगी इन लोगों ने। अ वॉलंटरी एसोसिएशन वे आर मिस्टर वीरू अ पार्टनर ऑफ द फर्म इज वाइस प्रेसिडेंट। दिस एसोसिएशन इज ओनली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट प्लीज, ये ICICI और गवर्नमेंट रिलेटेड तो नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की तो वेबसाइट नहीं है, ये एक वॉलंटरी फ्रेंड्स की, सीए फ्रेंड्स की ऑर्गेनाइजेशन है। नो, दिस इज रॉन्ग। गिल्टी हो जाएंगे क्लॉज 6 में। क्यों गिल्टी हो जाएंगे? क्योंकि वॉलंटरी एसोसिएशन है। हाइपरलिंक इंस्टीट्यूट की रीजनल काउंसिल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का दे सकता था। वॉलंटरी एसोसिएशन फेसबुक पेज, अपनी प्रोफेशनल कोई और वेबसाइट के ऊपर हाइपरलिंक्स नहीं दे सकता है। दिस इज रॉन्ग। नाउ मिस संगीता ने एक बुक पब्लिश की GST पर। उन्होंने उस बुक के अंदर GST अपनी पर्सनल एसोसिएशन एज अ पार्टनर विद कंपनी और फर्म का नाम कैसे दे दिया? बुक पब्लिश कर सकती हैं, यस। पर्सनल डिटेल दे सकती हैं, यस। हाउएवर एज फार एज शी मेंशन्ड अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड फर्म नेम, तो फर्म नेम एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गिल्टी। ओके, नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतीक कुमार इज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर इन HDFC लिस्टेड कंपनी। कंपनी अपने फंड्स इन्वेस्ट करना चाहती है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये इशू डिस्कस किया विद फाइनेंस मैनेजर सी ए प्रतीक। प्रतीक अश्योर द मैनेजिंग डायरेक्टर दैट ही वुड टेक केयर ऑफ द सेम एंड दस ही एग्री टू इंट्रोड्यूस द वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रोकर टू मेसर्स की कृति कंसल्टेंट ऑन द स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग दैट 15% ऑफ द कमीशन कृति कंसल्टेंट अर्न्स वुड बी पेड टू सी ए प्रतीक कुमार। सी, ये पर्सन जॉब में है। अगर ये जॉब में है, जॉब में है तो पार्ट वन फर्स्ट शेड्यूल का तो लगेगा ही नहीं, है ना। जॉब वालों पे क्या लगता है? पार्ट टू लगता है। जॉब वालों के लिए भी पैसा एक्सेप्ट करना मना है, इसलिए वो गिल्टी हो जाएगा। यू कैन नॉट डू सो। देखो, आपके केसेस भी साथ साथ तैयार हो रहेंगे। क्विक रिविजन प्लीज, किताब के पीछे के केस स्टडीज सारे अपने करे हुए होने चाहिए पहले से, है ना, तभी ये क्लास फ्रूटफुल होगी। नहीं की है तो अब भी बैठ के क्लास बंद करके करना स्टार्ट कर देना। मिस चेतना एक्सेप्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ PQR लिमिटेड, जिनकी नेटवर्थ नेगेटिव है। बस 5 मिनट के और रह गए होंगे बस ये केसेस, मेरा ख्याल। फॉर द ईयर 18-19 द ऑडिट वॉज टू बी कंडक्टेड फॉर 19-20, मतलब दिस ईयर के लिए, 19-20 ईयर के लिए करना है ऑडिट।
और लास्ट ईयर नेटवर्थ नेगेटिव थी और लास्ट ईयर लाइबिलिटी थी पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस की इन द फेवर ऑफ मिस्टर प्रमोद। आप बताओ क्या वो गिल्टी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल गिल्टी नहीं है। सिक यूनिट के केस में इवन अगर पेमेंट नहीं भी हुआ है फीस का तो भी आप काम एक्सेप्ट कर सकते हो एज पर क्लॉज नंबर 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। सी अनंत इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। उनकी एक आर्टिकल ट्रेनी है नेम हंसिका। मिस्टर अनंत हैज इन्फॉर्म मिस हंसिका दैट सिंस हिज प्रैक्टिस एंड रिसीट ऑफ फीस इज सीजनल इन नेचर दिस स्टाइपेंड कुड नॉट बी पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू दिसंबर बट वुड बी पेड फ्रॉम जनवरी टू मार्च इन शॉर्टफॉल फॉर अर्लियर मंथ्स विल बी मेड गुड इन दीज 3 months अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हेलो, गाइडलाइंस क्या, रेगुलेशंस क्या बोलती थी? सी ए रेगुलेशंस 1988। सो रेगुलेशंस एक बात ये बोलती थी कि आपको सब आर्टिकल्स को स्टाइपेंड देना है, दैट टू मंथली बेसिस पर आपको स्टाइपेंड देना है। प्लीज इसमें ये जो मना करने वाली चीजें इसको भी एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है? अभी स्टॉप करके अभी भी पढ़ सकते हो क्यों गलत हुए, क्यों ये ठीक हुआ। नाउ मिस्टर एक्स इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हिज फ्रेंड वाई इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू हेल्प ईच अदर इन द मैटर्स इन्वॉल्विंग देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। Accordingly, Mr. X is supposed to recommend Mr. Y in all litigation matters and Mr. Y would be consulting Mr. X in all matters relating to accountancy practice. Consequently, they started sharing profits of their respective professional work to state whether Mr. X, the chartered accountant practice, is liable. See, Mr. X is sharing with advocate. So, wo guilty honge and Mr. X is a practicing one. So, if he's a practicing one, to part 1 hi lagega. Theek hai? पार्ट वन में क्लॉज टू और क्लॉज थ्रू थ्री दोनों में ये हेल्ड गिल्टी नहीं होंगे बिकॉज ही कैन ऑलवेज शेयर विद अदर प्रोफेशनल बीइंग एडवोकेट एडवोकेट इंजीनियर्स एक्चुअरी एमबीए सीए कॉस्ट अकाउंटेंट सीएस इन सब के साथ अलाउड है शेयरिंग। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रैक्टिस के केस में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है इंक्लूडिंग व्हाट कैश बुक भी और लेजर भी। Okay, under clause number 3 of part 2 of second schedule to the chartered accountant, a chartered accountant shall be guilty of professional misconduct if he submit false particular to. False particular to whom? ICI and ICI related people. So only council of ICI, board of discipline, disciplinary directorate, disciplinary committee, QRB, appellate tribunal, aise log the wahan pe. ROC aur CAG thode na tha ki aap all of these ke upar marking kijiyega. ओके, ये सब आपका हो गया है। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट दैट कैन बी टेकन मीन 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट पर सीए फर्म और पर चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो फर्स्ट तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड वन पार्टनर ऑफ अ फर्म कैन इंडिविजुअली साइन ऑल द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। यस, ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू, करेक्ट। ABC and Company is a firm of chartered accountant. It was appointed by GP Production Limited to evaluate the cost of a new product manufactured by it for its information system so as to enable them to fix a fair market price. Mr. A, a partner of ABC and Company, is a non-executive director of the company. Comment, which is a more suitable one? See, in log ka jo appointment ho raha hai, ye audit karne ke liye nahi ho raha hai. Ye management ko help karne ke liye ho raha hai, management ko costing batane ke liye ho raha hai. तो यहां पे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट तो है नहीं भाई, ठीक है? तो एबीसी एंड कंपनी एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी उनको अपने लिए कर रही है। ओके, दिस रिपोर्ट इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड टू एनी आउटसाइड अथॉरिटी। किसी आउटसाइड अथॉरिटी को नहीं करना था ये काम। अब आप बताएं प्लीज 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 प्लीज। आई होप अब आपको ये क्लियर होएगा। मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपको जितना भी टाइम लगे डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज पर ये रिविजन क्लास देख रहे हैं। क्या आप एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन क्लास देख रहे हैं? फिर तो शायद टाइम नहीं मिलेगा। आपने जितना पहले किया हुआ है दैट वुड बी इनफ। और ये जो आपने अभी अभी पढ़ा था, ये पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3, देन पार्ट 4 इज फॉर अदर मिसकंडक्ट, देन सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3 इज फॉर अदर मिसकंडक्ट और इसकी ये क्लॉज नंबर्स। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अब आप अपने आपने जहां बुक में अपने हिसाब से नोटिंग्स की हो या आप अपने हिसाब से नोटिंग्स को एक बार प्लीज रिवाइज कीजिए। जस्ट स्टॉप द क्लास एंड देन आप उसको अपने हिसाब से रिवाइज कीजिए बिकॉज दिस इज वन पर्टिकुलर चैप्टर। आई नो मैंने 2 आवर्स सोचा था पर क्लास थोड़ा लंबा हो गया एमसीक्यूज की वजह से भी,
सो बिकॉज दिस इज वन ऑफ द पर्टिकुलर यू नो थिंग, दिस इज वन ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें आपके पूरे पूरे नंबर्स आ सकते हैं. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंड प्लीज आप क्लास रोक कर एक बार थरली आप अपने पास, अगर आपका टाइम परमिट कर रहा है ठीक है, तो प्लीज एक बार और आप थरली अपनी किताब के पेजेस पलट करके देख लीजिए, अपने हाथ की लिखी हुई चीज फिर से याद आएगी क्योंकि अभी अभी रिवाइज किया है. ओके, थैंक यू सो मच.